So, Bismillahirrahmanirrahim. Let's start with the 300 questions a day जो मुझे आ रहे हैं और किसी दोबारा से किसी मुफ्ती साहब की इस दफ़ा मुझे वीडियो भेजी है किसी ने, वीडियो मुझे किसी ने भेजी है। मुफ्ती साहब का नाम है मुफ्ती रशीद साहब। मुझे आते रही हैं दो चार अलग अलग तरीके से अलग अलग मुफ्तियान की वीडियोस, बट दिस मैन हैज रियली इंस्पायर्ड मी, नॉट जस्ट इम्प्रेस्ड मी। अल्लाह ताला ऐसे गुफ्तगू करने का सलीका तमाम मुसलमानों को अता करें। बहुत ही शाइस्ता वसा इनको आया हुआ था, आना भी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ मुसलमान स्पेशली कुरान किसने हाथ में पकड़ा उसको इस वक्त गुस्सा आए कि क्या हालात है इस उम्मत के। मगर आई एब्सोल्युटली लव दैट गाय। पहली दफ़ा मुझे इतना मज़ा आया, इतनी एलोक्वेंस से बात की उन्होंने और इतनी मैं अभी बताता हूँ। उन्होंने, मैं पता है शुरू में जब वीडियो देख रहा था ना मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब की, हम देखिए मुफ्ती रशीद लिखा हुआ, तो पहले 5-7 सेकंड में तो पहले 5-1 मिनट में तो मेरा दिल चाह रहा था बाकी सब कुछ बातें छोड़ मैं वैसे ही रुजू करता हूँ अपनी बात से। ये जो खड़े होने वाली बात है ना इस्लाम में इतना अट्रैक्टिव बंदा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इनको इनकी ज़बान में हक गोई की और इनको और फरासत दे। आई एब्सोल्युटली लव दिस बॉय। आई एम थिंकिंग ही इज़ इन early 20s और मे बी late 20s, द वे ही लुक लाइक। और इन्होंने 5-6 सवालात किए हैं और आई एम थॉरली इम्प्रेस्ड। माशाल्लाह ऐसे होने चाहिए, इतने अट्रैक्टिव मुसलमान हों। हावेवर लेकिन जो मसाइल जो है ना, जिस मसले को उन्होंने जो नहीं समझ रहे, आजकल का मौलवी नहीं समझ रहे, वो मसला जो है ना उसको बयान करना ज़रूरी है। तमाम लोगों का आईक्यू बढ़ाना हर मुसलमान का काम होता है, तमाम इंसानों का, गैर मुसलमानों का भी आईक्यू बढ़ाना। अल्लाह ताला ने कुरान के थ्रू गैर मुसलमानों को दावत दी ना। कुरान तो नबी इस्लाम पे आया, उस वक्त तो कोई मुसलमान नहीं था सिवाय नबी इस्लाम के आस पास घर वाले या करीबी दोस्त। तो अल्लाह ताला उस वक्त पूरी दुनिया का आईक्यू बढ़ाने के लिए कुरान पाक को नाजिल कर रहे थे कि इंसानों का आईक्यू बढ़ाओ, उनको सोचने पे आमादा करो और मजबूर करो। ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स अल्लाह ताला ने इंसानों की सतह पे आके दी। ये कहते हैं कि ये बात है तो इनसे कहो आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जवाब दो, ये सवाल करते हैं, ये जवाब दो। सो इट्स सच अ ब्यूटिफुल वे ऑफ लुकिंग एट द कुरान। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अकल क्यों नहीं करते हो, अकल क्यों नहीं करते हो। तो आईक्यू बढ़ाना हर मुसलमान का काम है। जो कुरान का मानने वाला है उसका फर्स्ट मिशन ये होता है कि दुनिया का आईक्यू बढ़ा के जाए। दुनिया से जितने भी 50-60 साल मिलने हैं उसको, दुनिया का आईक्यू उसकी वजह से बढ़ जाए। ये प्राइमरी मिशन है हम सबका। कोई पूछे ना आपसे आपका पर्पस क्या है, स्ट्रेट एक ही जुमले में बताएं, मुसलमान का पर्पस है आपके आईक्यू बढ़ा देना, आपकी जो ज़हनी इस्तिताअत है उसको बढ़ा के जाऊंगा मैं। आप अल्लाह की तरफ आते हैं नहीं आते हैं तो अल्लाह का काम है, अल्लाह हिदायत अपने हाथ में रखता है, मगर आपको सोचने के तरीके सिखा के जाएंगे। तो आई रियली सल्यूट यू मुफ्ती साहब, आई रियली सलाम है आपको। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे एंड आई रियली अप्रीशिएट व्हाट यू डूइंग। आप और से समझ लीजिए ये जो आपने सवालात किए हैं कि एक आपने कहा ना कि इस्लाम खड़ा होना एंड मुस्लिम आइडेंटिटी है और आपने 3 हदीसें और बयान की। आयरॉनिकली आपने वो हदीस नहीं बयान की कि जिसकी वजह से आपको खुद भी पता है उस हदीस का, जो सेंट्रल हदीस है। और जितने भी आपने हदीस बयान की, और आपने एक मफरूज़ा रखा है कि मैंने पूरी हदीस नहीं पढ़ी कि नबी इस्लाम हज़रत फातिमा के लिए खड़े हो जाते थे और हज़रत फातिमा भी नबी इस्लाम के लिए खड़ी हो जाती थी। आपने ये मफरूज़ा रखा है कि मैंने पूरी हदीस नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ी हुई है। मगर मैं आपको बता दूँ, आपके तीनों पॉइंट्स एक एक करके चलता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि हज़रत फातिमा नबी इस्लाम के लिए खड़ी होती थी, नबी इस्लाम की सुन्नत नहीं। नबी इस्लाम हज़रत फातिमा के लिए खड़े होते थे, ये नबी इस्लाम की सुन्नत है। कि गौर से समझें इस बात को। और ये दोनों बाप बेटी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत फातिमा अलैहिस्सलाम, ये दोनों का जो मामला है ये मोहब्बत का मामला है। ये हदीस पढ़ें, आप भी पढ़ें और लोगों को भी पढ़ाएं और लोगों को बताएं कि ये प्यार में ये काम हो रहा है। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। बहरहाल आप उसको ताज़ीम में रख लें। बेशक मैंने आपसे कई दफ़ा कहा कि आप बेशक इसको ताज़ीमी समझें। तो बड़े कौन है इधर? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े छोटे के लिए खड़े हों और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन्नत साफ जाहिर है, उनकी कौली हदीस भी बड़ी क्लियर है। आप जब ये कहते हैं ना कि ये तो पुरानी दौर से चली आ रही है, ये कोई नई बात नहीं है और आप कोई नया मतलब समझ बैठे हैं, मैंने आपको सिंपल सी हदीस बताई है, उससे मत हिला करें। सिंपल सी हदीस ये है कि जब सहाबा नबी अलैहिस्सलाम को मस्जिद नबी में खड़े हुए तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया। ये है मुस्लिम आइडेंटिटी। मैं आपको बाकी की हदीस के जो आपने हवाले दिए हैं मैं उनका जवाब देता हूँ। आपने मेरी सारी वीडियोस नहीं देखी हुई या एक लंबी कोई वीडियो नहीं देखी, शॉर्ट क्लिप्स पे मत इस तरह की कार्रवाई कीजिए। नाउ आई एम टॉकिंग टू यू एज एन ओल्डर ब्रदर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। एक चीज मैं आपको भी बता दूं इससे पहले कि मैं जवाब दूं आपको। आपने और कई सारे मुफ्तियान कहते हैं कि साहिल अदीम का जो तर्ज बयान है ना बड़ा जारहाना है, वो सीला है। पूरी वीडियो देखा कीजिए, मेरा पूरा ग्राफ जो है ना वो बड़े नॉर्मल कर्व से गुजर के पूरा पैराबोला बनता है। पैराबोला तो शुरू ही हाई से होता होगा, मैं शुरू हाई से नहीं होता। गौर से समझें इस बात को। ये इस्लाम का ये मफरूजा जो है ना इस्लाम में जो ज़बरदस्ती डाला हुआ है पाकिस्तानियों ने ज़बरदस्ती कि धीमे और लो टोन में बात करो, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद ही नहीं था कि हर वक्त लो टोन में बात करते रहें। हदीस ही सुना देता हूँ, आपने ये हदीस क्यों नहीं सुनाई जब जारहाना अंदाज के ऊपर आपने जो है ना ये जो तनकीद की है कि नबी अलैहिस्सलाम जब खुतबा इरशाद फरमाते थे ना लोगों से तो उनकी आवाज़ मस्जिद से बाहर लोग सुनते थे क्लियर क्लैरिटी के साथ, आंखें मुबारक सुर्ख हो जाती थी। ओके, और लोग उनके हाथ मुबारक देखते होते थे जिस तरीके से वो बात करते थे। So you need to understand, किसी और तरीके से पथ मेरे नबी को प्रेजेंट करें दुनिया में। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुझे जिस तरीके से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी है मैंने उसी तरीके से जिंदगी गुजारनी है। ठीक है, जब भी आप लोग या मैं सुनता हूं ना कि फलां प्रोफेसर फलां आलिम बड़ा ही उसको गुस्सा नहीं आता, वो बड़े धीमे अल्फाज में बात कर, दुनिया पूरी को गुस्सा उसको नहीं आता, तो उसको बेशक ना आता हो, उसको गुस्सा उसका अपना अमल है, मैं उस पर नकब नहीं लगा रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं बयान का जो तरीका है ना वो मुसलमान यूथ से छुपाया गया। और जो भी बंदा जारहाना तरीके से जलाली तौर पे बात करता है उसको हम समझते हैं कि ये आपे से बाहर हुआ है। ओके, आपको मैं नफ्सियात समझा देता हूं कि जब अमूमी बात की जाए जो ग्रोह की हो और कोई गुनाह या वायरस ग्रोह में आ जाए और आप उस पर एक एलिमेंट ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन ना रखें तो ये साइकोलॉजिकल मिस्टेक है। ठीक है, ये साइकोलॉजी समझें आप। आपने जो पहला जुमला इरशाद फरमाया था ना कि साहिल साहब ये फिक आपकी फील्ड नहीं है, उसमें मत जाएं। मैं आपको बता रहा हूं साइकोलॉजी आपकी फील्ड नहीं है, आप उसमें मत जाएं। पूछें, मैं आपको जवाब दे देता हूं। ओके, और आपने कहा कि मैं आता हूं, आपने बाद में एक जगह पे इस्तेमाल किया है कि आपने एनएलपी का के तमाम उसूल रख के कुरान पाक का तर्जमा करवाया। आपके उलमा ने अपने उलमा से कहें मुझसे बात करें डायरेक्ट। आपको बताऊंगा कि किसी दो नंबर के हाथ चढ़ गए हैं वो सारे। एनएलपी से ज्यादा बड़ी खुराफात अभी तक किसी भी सूडो साइंटिस्ट ने नहीं ईजाद की। ये इंडिया के गुरु और बाबे और उनके पंडित इस तरह की बातें करते फिरते हैं। ये दीपक चोपड़ा टाइप लोग इस तरह के एनएलपी के प्रोफेसर हैं। आप कुरान पाक का तर्जुमा एनएलपी के असूलों के ऊपर कर रहे हैं जिसको ना साइंस वाले मानते हैं, जो असली साइंस वाले हैं, जो असली किताबें असली साइंस पढ़ते हैं ना दिमाग की, उनसे पूछ लें। मैं नफ्सियात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं न्यूरो की बात कर रहा हूं। सो उनसे पूछें कि क्या दो नंबरी फैलाई हुई है और किसके हत्थे चढ़ गए हैं। एज यूजुअल कोई दोबारा से उलमा को बेवकूफ बना रहा है। ये एनएलपी से दूर रहें। मैंने आपसे कहा कि एक एक करके चलता हूं। सबसे पहले मैंने आपने जो कहा ना कि खड़ा होना एन मुस्लिम आइडेंटिटी है, हदीस में इरशाद दोबारा अर्ज करता हूँ आपके सामने, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ये अजमियों की जहालत बंद कर दो जो अपने बड़ों की ताजीम में खड़े हो जाते थे। अब नफ्सियात समझें, नफ्सियात पूरी तरीके से समझें और ये नफ्सियात का दर्स समझें, ये फिक्र का दर्स नहीं दे रहा हूं, नफ्सियात का दर्स दे रहा हूं। मुसलमान उम्मा को इस वक्त जो मसला है वो साइकोलॉजिकल कैस्ट्रेशन का है। इनको जहनी तौर पे गुलाम बनाया गया है, बनाया जा रहा है और आप तो बन चुके हैं, आप तो 70-80 पुश्ते सिर्फ गुलामी, गुलाम दर गुलाम पैदा हो रहे हैं, गुलाम इबन गुलाम इबन गुलाम। ये नफ्सियात समझें। जब नबी अलैहिस्सलाम ने अमूमी हदीस रकम करवा दी है कि बड़ों की ताजीम में खड़ा होना अजमियों की जहालत थी, इसको बंद कर दो, तो उसके बाद अब क्या कसर रह गई? दूसरी हदीस भी सुनाता हूं। जो शख्स, ये तो खड़े होने वालों को मना किया है, जो शख्स खुद ये चाहता हो कि लोग उसकी ताजीम में खड़े हो जाएं, वो अपना ठिकाना जहन्नुम में समझ ले। अब ये दो उसूल नफ्सियात नबवी सेट कर रहे हैं, नफ्सियात मुस्लिम सेट कर रहे हैं। और यहाँ पे जहन में बात आ गई और मिस ना हो जाए, खुदारा मुझे मोटिवेशनल स्पीकर कहना बंद कर दें। इन्हीं लानत ज़दा लोगों ने पूरी कौम तबाह की हुई है। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं। इफ यू हैव टू चूज अ टाइटल फॉर मी, आई एम जस्ट स्टूडेंट हु इज ट्राइंग टू रिफॉर्म द मुस्लिम साइकोलॉजी बैक टू द टाइम ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही वाज एक्चुअली ट्रेनिंग द साइकोलॉजी ऑफ द सहाबास। So, ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्मिस्ट बोला करें। हर मुसलमान का काम है कि वो वापस उस नफ्सियात को पकड़े जिसपे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली बिन अबी तालिब और उमर खत्ताब की ट्रेनिंग कर रहे थे, साहबा की ट्रेनिंग कर रहे थे, और ये उन्होंने ट्रेनिंग करवाई। आपने तीनों अहादीस बताई हैं कि किन साहबी के आने पे नबी सलाम खड़े हो गए, उसमें आप नबी सलाम के खड़े होने की बात करते हैं। तो मैं तो अब कहा कि बड़े मत खड़े हों, मैं तो चाहता हूं कि बड़े खड़े हों छोटों के आने पे। गौर से समझे इस बात को। हजरत जाफर के इस्तकबाल में हजरत काब जब खड़े हुए हैं, अमी सिंह साहबी ने हजरत जाफर के इस्तकबाल में मजलिस नबी सलाम की के अंदर सब साहबी बैठे हुए हैं, नबी सलाम की मस्जिद में सारे साहबी बैठे हुए और हजरत जाफर आए हैं और आई थिंक हजरत तला खड़े हुए हैं। तो आपने कहा कि देखें साहबी दूसरे के इस्तकबाल में खड़े होते। वो आप पूरी बात क्यों नहीं बता रहे हैं कि अल्लाह ताला के उस बरगुजीदा बंदे को बशारत देने के लिए एक साहबी खड़ा हुआ है, ऐलान करने के लिए खड़ा हुआ है। उसके इस्तकबाल में खड़ा होता तो सारे साहबी खड़े हो जाते, वो एक साहबी खड़े हुए हैं, आपने पूरे के पूरे साहबा को खड़ा करवा दिया। इधर Understand the big problem here. The problem I'll tell you. इसीलिए मैंने से कहा अपने बड़ों से कहें कि वो मुझसे बात करें, क्योंकि उनके हाथ में नफ्सियात की डोरियां होती हैं, बच्चों की नफ्सियात की डोरियां, यूथ की नफ्सियात की डोरियां। उनको मैं समझा रहा हूं, आपके बड़ों को, कि आपके बड़ों ने ये डिटरमिन कर लिया हुआ है कि उनके आने पर पूरा मदरसा खड़ा हो जाए। आपके प्रोफेसर ने ये असूल सब किया हुआ है कि उनके आने पर पूरी यूनिवर्सिटी और कॉलेज खड़े हो जाए करें। आप किस किस्म के मफरूजे में हैं, किस किस्म के पर्दे हैं डाले में आपने, कि आप ये समझ रहे हैं कि मैं यूनिवर्सिटी में जाऊं, एक प्रोफेसर और क्लास मेरे सामने ना खड़ी हो तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। नफ्सियात इसी तरीके से बनाई जाती हैं, बना दी गई हैं हमारी। और अगर मुझे बुरा नहीं लगेगा, अगर मुझे बुरा लगेगा तो मेरा तो ठिकाना जहन्नुम में है। क्यों हम अपने आप से झूठ बोलना शुरू हो गए हैं कि मेरे आते हुए मेरे घर वाले खड़े ना हों तो मुझे अच्छा लगेगा? हम सबको पता है अब हमें बुरा लगना शुरू हो गया कि लोग बैठे रहें। वो हदीस क्यों नहीं बार बार रिपीट करते हैं कि अपना ठिकाना जहन्नुम समझो, अगर लोग, तुम ये चाहते हो कि लोग तुम्हारे आने पे खड़े हों। हमें अगर ट्रेनिंग ये मिलेगी 70 पुश्तों से कि मेरे आने पे छोटे खड़े हो जाए करें, तो नहीं खड़े होंगे तो मुझे बुरा लगेगा। ये मेरी उन 70 पुश्तों ने मुझे जहन्नुमी किया है ना, इस हदीस के मुताबिक। जितने भी आप मिसालें दे रहे हैं, प्यार में खड़ा होना, ऐलान करने के लिए खड़ा होना, किसी से गले मिलने के लिए खड़ा होना, गले मिलने से कौन मना कर रहा है? आप क्या समझते हैं मुफ्ती साहब मदरसे में आते हैं तो सारे बच्चे गले मिलने के लिए खड़े होते हैं? इस तरह तो ना, ये वाली गेम है तो ना खेले ना। अभी तक तो मैं जारहाना नहीं हुआ ना, और से समझे इस बात को। मैं होऊंगा भी जारेहाना, बाय डिजाइन होऊंगा, मैं बताऊंगा भी कब किस बात पे जारेहाना होना है। ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, आई एम टेलिंग यू दिस राइट नाउ। मेरे अंदर ताने की सलाहियत नहीं है अल्लाह की तरफ से, मैं सीधी बात कर रहा हूं, किसी चीज को ताने में मत लीजिएगा। सो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को समझें मुफ्ती साहब, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को समझें और बड़ों से पूछें, मशवरा करें, वो आपको समझाएंगे। उलमा का, एक आलिम का, जो आलिम कहता है अपने आप को समझ लेता है कि आप मैंने फतवा भी जो है ना सादर करना है, उसका जिम्मा पूरा का पूरा ग्लोब पूरा होता है कि पूरे कुर्रे की नफ्सियात बनानी। ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ इस्लाम, ही इज रिप्रेजेंटिंग द साइकोलॉजी ऑफ द प्रोफेसर। इतना बड़ा जिम्मा होता है। उलमा असली, और आपको ही पता है, जय्यद उलमा उम्मत के एक एक बच्चे की फिक्र में रातों को दुआएं करते हैं। दुनिया के एक ब्राजील के बच्चे साइबेरिया के बच्चों के लिए दुआएं करके सोते हैं। आप जेन्युइन मैथ्स को देखें, जो मौलवियों का जेन्युइन मैथ्स है, सारे दुनिया के मौलवी इकट्ठे कर लें, आपको क्या खुद नहीं पता? क्या हम सबको नहीं पता कि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल किस लेवल पे सेटल कर दिया गया है? साइकोलॉजिकल इंफीरियोरिटी कहते हैं इसको। बस बोने हैं सारे। गुस्सा भी इसीलिए आता है कि हाथ में उन्होंने कुरान रखा हुआ है। दूसरा गुस्सा तो इस बात का आता है कि इसको प्रोफेशन बना दिया हुआ। फिर आप कहते हैं मौलवियों से कुरान नहीं सीखेंगे। दूसरा आपने नुकता किया ना, आप मौलवियों से कुरान नहीं सीखे, तो किसे सीखेंगे? भाई क्या बात करें आप, हर इंसान, हर मुसलमान मौलवी होना चाहिए। भाई आपने कहा एक तबका है जो जरूरी है कि वो कुरान सिखाए, भाई सारा मुसलमान लड़का, सारी मुसलमान लड़कियां कुरान के एक्सपर्ट्स होने चाहिए। यूट्यूब के एक्सपर्ट्स, हॉलीवुड के एक्सपर्ट्स, ऑस्कर अवार्ड के एक्सपर्ट्स, मगर नहीं वो जो गली का जो मस्जिद में कोने में वो बच्चा बैठा हुआ है, वो है कुरान के एक्सपर्ट का। अजीब बात है। फिजिक्स के सारे एक्सपर्ट्स हमारे बीकन हाउस में, सिटी स्कूल में, इंग्लिश के सारे एक्सपर्ट्स, लिंग्विस्टिक्स की बात हो रही है ना, अरबी की बजाय इंग्लिश के, जितनी अंग्रेजी पाकिस्तानी को आती है उतनी बड़ा बड़ा गोरा शर्मा आ जाए जिस तरीके से पाकिस्तानी अरबी इंग्लिश सीखता है, मगर अरबी नहीं सीखनी। नहीं, अरबी कैसे सीखेंगे सारे? ये आपका इतराज, अरबी कैसे सीखे? क्यों ना सीखें अरबी? भाई अरबी का जिनों के लिए आई है, ये सिर्फ अरब पैदा हो जाना, इसके अलावा अरबी नहीं कोई सीख सकता। नाम बताऊं आपको उन उलमा कराम के जो नॉन अरब थे, जिनको आप मानते हैं। मुझे तो पता है ना आपका मसलक क्या है, आपको पता होना चाहिए कि मौलवी का काम नहीं है कुरान सिखाना, मुसलमान का काम है कुरान सिखाना। हम फिजिक्स सिखाते बैठ रहे हैं, केमिस्ट्री सिखाते बैठ रहे हैं, किधर किधर नहीं पहुंचा हुआ मुसलमान इस वक्त, कुरान में नहीं पहुंचा, बाकी हर जगह पहुंच गए। क्यों? कुरान में से मौलवी ने पहुंचना है। क्यों मौलवी ने पहुंचना है? आपकी इस जरा की नस ही गलत। 1000 महाजरीन मक्का से मदीना गए, आप बताएं कौन सा उनमें मौलवी कौन था? उनमें मैं बताता हूं कौन था। 1000 मौलवी थे, 1000 आलिम थे, 1000 फुकाहा थे। जबरदस्ती मत आइसोलेट करें कुरान पाक को, यह है मेरा मकसद। मौलवी से बगावत करने का मतलब यह है कि हर मुसलमान मौलवी हो, ताकि ये जो मुफ्त की मसनद पकड़ी हुई है ना, एक खास बंदे ने, वो पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों तक पहुंचे। एवरी मुस्लिम हैज टू बी अ स्कॉलर ऑफ द कुरान, एवरी मुस्लिम, दैट्स द बेसिक। ये कोई औज नहीं है, हमारा मेरिट है मुसलमान होने का। ये कुरान पाक में कोई मुझसे बहस नहीं कर सकता, ये मेरी अपनी किताब है, इसी किताब के लिए दुनिया में आया हूं और इसी किताब के लिए दुनिया से जाऊंगा। ये खेल खेलना हमें बंद करना पड़ेगा। ये कुरान को कंपार्टमेंटलाइज कर दिया और मौलवी को प्रोफेशन बना दिया। सॉरी, दिस इज नॉट समथिंग, ये मुस्लिम आइडेंटिटी के खिलाफ है कि हम जत्थाबंदी कर दें, एक जत्था कुरान का, बाकी का जत्था कुरान से आ रही, ऐसे तो नहीं होगा। सॉरी, ये नहीं होने देंगे, अब नहीं होने देंगे हम। ये पहले होता रहा है, अब नहीं होने देंगे। तीसरी बात जो आपने की है कि ये इस्लाम 5 रुकनी जो आप हदीस सुनाते हैं अब्दुल्ला बिन उमर की, I'm pretty sure आपने उन्हीं की हदीस कोट करवाई है कि इस्लाम की बुनियाद जो है ना 5 रुकन 5 अरकान के ऊपर। आप इस हदीस का पूरा कॉन्टेक्स्ट क्यों नहीं बताते? Why are you not telling everyone this? आप कहते हैं कि रोजा फर्ज है, नमाज फर्ज है, आप लोगों को रोजे और नमाज से भगा रहे हैं। क्या आयत है रोजे की? बताता हूं मैं आपको क्या आयत। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम आयत है। रोजा फर्ज है, मैं रोजे से भगा रहा हूं। मैंने कभी कहा है कि 5 रुकन इस्लाम नहीं करने? मैंने तो आपसे कहा है आप सिर्फ 5 रुकन इस्लाम क्यों करते हैं? कुतिबा अलैकुम सियाम आयत है, तो बताते क्यों नहीं है मौलवी साहब सारे के सारे के? कुतिबा अलैकुमुल किताल भी आयत है। आप लोगों ने इस आयत का प्रचार कब किया मुझे ये बताएं। आप मुझे और आप दोनों को पता है मस्जिद बंद हो जाएगी अगर ये वाली आयत सुनाई तो। कुतिबा अलैकुमुल किताल की कितने मुसलमानों ने आयत सुनी हुई है? आप सबको पता है कि क्या चीज किस नफ्सियात के प्रेशर में आकर छुपाई जाती है। मैं वही प्रेशर हटाने के लिए कह रहा हूं, यूथ को क्यों इतने जबरदस्ती एक नाली में से गुजार रहे हो? पूरा समंदर अल्लाह ने तय किया हुआ। कुतिबा अलैकुमुस सियाम पे पता चले ना आपको रोजा फर्ज है, तो कुतिबा अलैकुमुल किताल पे क्या पता चलता है? ये कौन से 5 रुकन में आता है? दीज गेम्स आर ओवर मुफ्ती साहब, दीज गेम्स आर ओवर। द यूथ हैज स्टार्टेड टू थिंक नाउ। वो जो आई थी ना अफला याकिलून, अब यूथ ने पकड़ लिया, वो यूथ खुद सोचना शुरू हो गया। पहला कदम कुरान का सोचना उन्होंने उठाना शुरू कर दिया, समझ लें गौर से। और तीसरा जो आपका इतराज है ना कि 3 बाबों से आप बगावत सिखा रहे हैं, उनमें बाप है, कॉलेज का प्रोफेसर है और मौलवी साहब है। जी मैं सिखा रहा हूं ना, और किसने रोका है? नफ्सियाती साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत ईसा अपने मरियम ने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया था? इन्हीं 3 बाबों से रुकवाया था ना। और कौन से 3 बाबों से? नबी आगे किन 3 बाबों से रुकवाता है? अपने बाप के दीन को छोड़ के मेरे दीन पे आ। हर नबी ये करवाता है ना। उम्मत के जो हालात हैं साइकोलॉजिकली, ये इन्हीं 3 बाबों ने किए हैं। आप सैंपल ले लें, बेसिक साइकोलॉजी सिखा रहा हूं आपको। कोई से 100 बंदे पकड़े पाकिस्तान के, कोई से 100, उन 100 के 100 का दीनी रुझान चेक करें और उन 100 के 100 के ये 3 बाबे चेक करें, आपको पता चल जाएगा उन 100 के 100 में से 99 बंदों का रुझान वही है जो इन 3 बाबों का रुझान है। हर बंदा अपने ही बाप के फिरके पे है, हर बंदा अपने ही लोकल बाप के मौलवी के फिरके पे है। कॉलेज का प्रोफेसर वही बता रहा है पैसे बनाने बस दुनिया में, खूबसूरत लड़कियां चाहिए, बड़ी गाड़ियां चाहिए। और कौन बता रहा है आके? आप बताएं, चाचा के बेटे ने तो नहीं बताया था मुझे, या पुफो की बेटी ने बताया था मुझे? ये इन 3 बाबों ने बताया ना। उम्मत के हालात देखें इस वक्त क्या हैं, और एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, यू आर होल्डिंग द कुरान इन योर हैंड। कोई और इंसान मिलता है जो कुरान हाथ में पकड़ के, रोज कुरान हाथ में पकड़ के अपने मेंबर पे बैठ जाए? कॉलेज के प्रोफेसर अबू कौन पकड़ता है? टीवी पे कोई आता है ऐसा बंदा? नो, मौलवी साहब पकड़ते ना कुरान। तो किसको ब्लेम करूं? एहतियात करें, ये इस्लाम की बात हो रही है, ये आखिरत की बात हो, एहतियात करें। मैंने इसीलिए कहा यू आर यंग, यू आर नाइव, आई अंडरस्टैंड दैट, एंड यू आर वेरी प्रेजेंटेबल पर्सन, यू आर वेरी एलोक्वेंट। लर्न द वे दिस वर्ल्ड व्यू इज क्रिएटेड। आपका वर्ल्ड व्यू अभी नहीं क्रिएट हुआ ना, आपकी इतनी उम्र है, आई अंडरस्टैंड दैट। सीखें इस बात को, दुनिया का चक्का घूम कैसे रहा है, सोच जाविया कैसे इख्तियार करती है अपना, सोच समझें पहले इस बात को। तमाम तर उम्मत मौलवी से मुतनफर हो चुकी है, तुक्का लगा एक कोई मेरी वजह से हुई है, और आपने इतने बड़ा इल्जाम मेरे पे लगा दिया कि साहिल अदीम कह रहा है मुझे फॉलो करो। आप किसी एक जगह पर ये लफ्ज, इतनी बड़ी रौनक किसी मुसलमान से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैंने कभी जिंदगी में बोलना है मुझे फॉलो करो? मैं ये फॉलोअरशिप के तो खिलाफ हूं। आज तक ये जुमला नहीं बोला और इंशाल्लाह मरते तक दम तक नहीं बोलूंगा मुझे फॉलो करो, मौलवियों को छोड़ो मुझे फॉलो करो। इतनी बड़ी तोहमत, ऐसे तो ना करो। इतने अच्छे बच्चे हो, आई रियली रियली थिंक यू नीड टू रिट्रैक्ट दिस। ये तोहमत में आएगी बात, डोंट डू दैट। मुझे कोई नहीं फॉलो करता और ना ही कोई करेगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने के लिए दुनिया में आए हम। मैं भी ये कहता हूं कि मेरी कोई औकात नहीं है, मैंने आपको किताबों से, पढ़ने से, सोचने के ऊपर आमादा करने से जोड़ना है, और कोई काम नहीं मेरा। आई एम वैसल, मैं वो आवाज हूं जो कि आपके अंदर की उस आवाज को राइम करने के लिए अल्फाज का चुनाव करते रहते, उस ग्रामर के अंदर, ताकि आपको पता है ठीक कह रहा है। मेरे अंदर भी यही आवाज है, यही सवाल है मेरे अंदर। इनका जवाब कहाँ है? बताता हूं, साहबा ने दिए हैं जवाब। ये तीनों सवालों के जवाब आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मुस्लिम आइडेंटिटी है। मुस्लिम आइडेंटिटी 5 रुकन नहीं है, काफी सारे अरकान हैं इस्लाम में। मुस्लिम आइडेंटिटी तब पूरी होगी, ओके, और समझें। आखिरी दफा आप बता दें आपने अपनी वीडियो में या आपके किसी आलिम ने किसी भी मेंबर में बैठ के, आप हनफी हैं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अबू हनीफा का फतवा कब सुनाया कि जहाद बिल किताल में 4 महीने लगाना हर मुसलमान पे फर्ज है वरना वो मुनाफिक है? आप बता दें, कभी सुना है ये फतवा आपने? हम श्योर पढ़ा होगा आपने, कभी सुना है किसी मस्जिद में? या आपने सुनाया किसी को? शरफई ने, अबू हनीफा ने और इमाम हम्बल ने, तीनों ने फतवा अपने अपने टाइम पर इशू कराया। और वो किस टाइम के थे? अमन के दौर के मुसलमान थे। ये अमन का दौर चल रहा है, आप बताइए अमन का दौर है मुसलमानों पे? एक एक मुल्क के अंदर, हर मुल्क में एक एक नवाज शरीफ इमरान खान बैठा हुआ है, हर मुल्क में, यमन में, सुदान में एक एक नवाज शरीफ इमरान खान, सऊदी अरब में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, हर मुल्क में यही इसी तरह के 2 मखलूकात पाई जाती। क्या करवा रहे हैं वो? इंपीरियलिज्म ऑफ अमेरिका को साइकोलॉजिकल सर्जरी करवा रहे हैं बैठ। उन्हें 2 अरब आबादी और ये हालात, मोर देन 50% ऑफ 2.25 अरब यूथ, उनको बचाना काम है हमारा। वी हैव टू स्टॉप दीज गेम्स, वी रियली नीड टू स्टॉप दीज गेम्स। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्ट इट कि हाँ हमसे ये हुई है, हमने इनको खसीस कर दिया, मुसलमान लड़के लड़की को हमने तबाह कर दिया, इनकी नफ्सियात को हमने, इनको गुलाम बना दिया हुआ, इनकी आइडेंटिटी छीन ली है हमने, इनका जर्रीपन निकाल देना, ये सोच में भी जर्री नहीं रही। अब इनकी एस्टीम को लो किया, लो सेल्फ एस्टीम के ऊपर कुरान पाक नहीं फिट हो सकता। कुरान पाक हाई सेल्फ एस्टीम के बंदे की किताब है। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, दिस इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, दिस इज नॉट अ थियोलॉजिकल प्रॉब्लम एनी मोर, दिस इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। मुस्लिम्स आर सफरिंग फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। कुरान पाक गुलामों के लिए नहीं नाजिल हुई, कुरान पाक हकमों के लिए नाजिल हुई। हकम का लफ्ज एक गुलाम को कैसे समझ आएगा? हकामत दीन एक गुलाम कैसे करवाएगा? सोचें तो सही, कुरान क्यों डिफ्यूज किया गया है? क्योंकि साइकोलॉजी डिफ्यूज कर दी गई। आप समझ, 2.25 अरब बंदा कुरान पाक को नंबर 1 किताब मानता है, मगर पढ़ नहीं सकता, पढ़ता ही नहीं है, दूर क्यों? उसकी साइकोलॉजी में कुरान पाक फिट नहीं आ सकता। अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ाने की ट्रेनिंग करवाएं लोगों की, यूथ की, ताकि कुरान अहकामी किताब, एक गुलाम को अहकामी किताब कैसे फायदा दे सकती है? उसको अपने आप को आजाद करना पड़ेगा पहले, तब अहकामी किताब समझ आएगी और अप्लाई कर सकेगी। गुलाम जब भी कुरान पकड़ता है वो सिर्फ ये 5 रुकन के बाद कहता है छठा ना बता देना, छठा बताओगे तो मारे जाएंगे। क्यों? सारा गुलाम मारा ही जाएगा बेचारा। गुलाम के लिए तो 6वां रुकन नहीं है, 7वां रुकन नहीं है, 8वां रुकन नहीं है, निकाला है ना 6वां रुकन। तबलीग कर दो बस, तबलीगी जमात वाले क्या क्या किया उन्होंने। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रुकन, नाउज बिल्ला, मैं मुसलमान हूं, तबलीगी जमात को अल्लाह ताला इस्तिकामत दे, मगर साइकोलॉजिकली इंफीरियर नहीं है। खुद बताते हैं हमारा तो इसराइल में भी मिशन है, खुद बताते हैं, पूछे हमारे तो मिशन इसराइल भी जाते हैं। इसराइल आपका इस्लाम, आपके वर्जन को, इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहा है तो कुछ दाल में तो काला है ना। सोचें तो सही, वरना तो किसी को नहीं जाने देता इसराइल, आप लोगों को जाने दे रहा। पढ़े जरा गैजेट, टेल अवीव गैजेट पढ़ा देता हूं, आप गूगल कर लीजिएगा। टेल अवीव गैजेट, हमें किस तरह का इस्लाम एक्सेप्टेबल है। टेल अवीव गैजेट, नंबर 5 गांधी साहब, नंबर 4 तबलीगी जमात। इस तरह का इस्लाम तो उनको पसंद आना है ना, जाहिर है, हर एक को आना है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का वर्जन इस्लाम मक्कन को पसंद नहीं आया था, कुफार को भी नहीं पसंद आया था, यहूदियों को भी नहीं पसंद आया था, शहीद करने के दर पे हो गए थे, कई कोशिशें की, साहबा को भी शहीद करे थे। वो वाला वर्जन ऑफ इस्लाम कहाँ है? वो वाली नफ्सियात कहाँ है जो कि हाकमाना एटीट्यूड के साथ अप्लाई की जाती? ये गुलामाना एटीट्यूड वाला इस्लाम तो हर एक को पसंद आएगा। इस्लामिक क्लैरिक्स अमेरिका में खुलेआम फिर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, कनाडा में कर रहे हैं, इंग्लैंड में कर रहे हैं। आई एम श्योर एवरीबडी लव्स देम। क्या नाम लेने किसी के, सब जो भी आपको नाम पता है, सब के सब। वो वाला इस्लाम तो सबको पसंद है, विन विन, आप भी खुश हम भी खुश। ये तो फिर मसला है ना। फिर मेरे नबी अलैहि सलाम ने तो विन विन वाला इस्लाम नहीं दिया था। वो तो कह रहे थे कब से कह रहे थे, शुरू दिन से कह रहे थे कि तू भी खुश हम भी खुश, यार तेरी भी हमारी भी कुछ मान ले, हम तेरी भी कुछ मान लेते हैं। सबको पता है क्या क्या ऑफरें हुई हैं नबी अलैहिस्सलाम को। वो वाला वर्जन सोचें तो सही, वो वाला वर्जन जो नबी अलैहिस्सलाम ने प्रेजेंट किया था, वो वाली साइकोलॉजी से यही वाली कुरान, यही वाली किताब, यही वाला कुरान जब उस साइकोलॉजी से प्रेजेंट होता है, रेजिस्टेंस, असैसिनेशन अटेम्प्ट्स, हिजरतें करनी पड़ती हैं, और यही वही कुरान जब इस साइकोलॉजी से प्रेजेंट होता है, आओ सब गले मिलो, आओ वो अमेरिकन क्लैरिक्स, लेस्बियन वॉक के अंदर भी अमेरिकन क्लैरिक्स पाए जाते हैं, देखें ना जरा, लेस्बियन गे वॉक के साथ पहुंचे हुए हैं, चार्ली हेब्डो का मसला हो रहा है, सारे के सारे खड़े हुए हैं, हाथ में हाथ डाल के वॉक करें चार्ली हेब्डो के लिए। That is the problem. We need to start telling the youth the truth. सच बताएंगे भैया बात सुन, गुलाम होने नहीं आया दुनिया में, तो बस बाकी सब कुछ कर लें। कुरान पाक गुलाम की किताब नहीं है, नसीहतें नहीं है कुरान में, अहकाम है। कुरान में नसीहतें नहीं, अहकाम है। अहकाम कौन प्रेजेंट करता है? गुलाम प्रेजेंट करता है आके। सोचें तो सही, गुलाम कर सकता है अहकाम प्रेजेंट? किसी को अपने आका को प्रेजेंट करेगा अहकाम? मेहनत ही करेगा ना बेचारा आके। सो साइकोलॉजी बदलें, नफ्सी इस साइकोलॉजिकल वॉर। मुस्लिम आइडेंटिटी साइकोलॉजिकली इन क्राइसिस। मुस्लिम आइडेंटिटी को लोअर बोनों ने अपनी छोटी नफ्सियात में फिट करके बस शुगर कोटेड पिल पिला रहे हैं। आई होप that this is a message that is going to be taken for the sake of your akhirah, not for the sake of any victory or battle between, you're a Muslim brother of mine. And trust me, I mean it. You're one of the most attractive people I've seen in a decade, mashallah. Aap jaise bandon ki zarurat hai jo sahi psychology se presentation dein. Psychology badlein, Musliman youth ki psychology badlein. I hope this message will be taken as a positive sign. And it will be taken as a source of improvement and realization कि असली जंग क्या चल रही है, असली जंग। आपको मैं सिर्फ एक केस स्टडी दे देता हूं। जिस तरीके से IDF की ट्रेनिंग होती है ना, IDF की, इसराइल डिफेंस फोर्स की ट्रेनिंग होती, आप मुसलमान बच्चे की भी ट्रेनिंग देते हैं। बस केस स्टडी दे रहा हूं आपको, बस इतनी सी बात है। नफ्सियात तो नहीं छोड़ी उन्होंने, उन्होंने हमसे सीखी है, खुद मुंह से बोलते हैं उनके अकाबरी, उनके अकाबरी कि वो मुसलमानों से सीखी है, मोहम्मद से सीखी है हमने, खुद बोलते हैं। वो सीख रहे हैं और हम उनकी तलवे चाटने बैठे, डरे में ऐसे कांप रहे हैं। सोचें जरा, ये PTI वाले थे ना, वो इसराइल को एक्सेप्ट करने में क्या है पूरी दुनिया का एक्सेप्ट, हम अपने मुफ्त में अपने ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगवा रहे हैं, हम इसराइल को एक्सेप्ट करें, इज जस्ट अ पॉलिटिकल थिंग, इज नॉट अ रिलीजियस थिंग। गुलाम जब गिरता है तो फिर उसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। हाकिम की ऊंचाई का तो अंदाजा मैं लगवा सकता हूं, गुलाम की उस पस्ती का अंदाजा नहीं कोई लगा सकता। ये काम बस हमें बंद करने पड़ेंगे। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ साइकोलॉजी, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ थियोलॉजी। नफ्सियात सीखें, किसी एक्सपर्ट से सीखें, NLP जैसी खुराफात से दूर रहें। ये साइंटिस्ट को पता है, न्यूरोबायोलॉजिस्ट को पता है, इवन साइकोलॉजिस्ट को भी पता है। ये NLP खुदा का वास्ता है, ये दो नंबरियां बंद करवाएं। आपने अकावरीन से भी कहें कि इस तरह के ये जादू मंत्र जो है ना, ये जो जबरदस्ती की मुफ्त की, तो किस मर्जी वजह से उन्होंने आपको इम्प्रेस किया है, उनसे कहें किसी ठोस साइंस के थ्रू हमसे बात किया करें। कोई भी NLP का एक्सपर्ट किसी भी असली न्यूरोबायोलॉजिस्ट के सामने मतलब 20 किलोमीटर रेडियस में भी नहीं आता। उसको पता है इन सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास, मैं तो खाली बस जादू मंत्रा और हवाई बातें करने वाला बंदा हूं। सो आई होप दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज एंड आई होप देयर आर नो मोर कंफ्यूजन्स कि असली लड़ाई क्या है। मुस्लिम आइडेंटिटी की असली लड़ाई नफ्सियात की लड़ाई है। ओके, लेट मी जस्ट टेक अ फ्यू क्वेश्चंस। हिम्मत रज़ा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जिनसे मेरी बात नहीं होती ना वो कोशिश किया करें उनसे मेरी बात हो जाए। अहमद रज़ा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर मैं भी जाऊंगा, बोल नहीं जा रहा, सोचने आप जी सोचा हुआ है। मेरा सर सवाल है आपसे, सवाल है सर एडवाइस आपको कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कह रहे थे कि उन्होंने आपको ना दावत दी थी झेलम एकेडमी जाने के लिए, तो अगर आप वहां चले जाते तो ये आइडेंटिटी टूर के लिए काफी अच्छी बात हो जाती। वैसे मुझे नहीं किसी ने दावत का, वो बगैर दावत के भी मैं चला जाऊंगा। ग्रेट ग्रेट मैन आई विल, बट मुझे नहीं दावत, ऐसी कोई दावत नहीं आई। मगर दावत की क्या जरूरत है, आई एम प्रीटी श्योर उनका कोई प्रोटोकॉल थोड़ी है। मैं आते जाते जरूर चक्कर लगा लूंगा उधर इंशाल्लाह। जी जी, आई एम श्योर ही इज वेरी बिजी। ऐसे तो नहीं होगा कि मैं जी मैं आया हूँ, नाउज बिल्ला मैं क्या चीज हूँ। वर हम सेइंग इज ऐसा कोई मौका मिला नहीं। वैसे भी जीटी रोड पे झेलम आता है, मैं जीटी रोड को देखे हुए 20 साल हो गए। जैसे ट्राई करिएगा और उनसे कहिएगा कि मतलब मुफ्ती साहब के बीच और उनके बीच आप जब जाएंगे फिजिकली उनसे बात करेंगे तो इंशाल्लाह ताला, अब आप देखें ना, आप बात उनसे जा करेंगे तो काफी मामले हल हो जाएंगे उन दोनों के बीच भी ना। मुझे नहीं पता किन मुफ्ती साहब की बात हो रही है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मुफ्ती तारिक मसूद साहब की? ओह या मैंने पता है, मैंने भी सोचा हुआ है अगर मैं गया ना तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू से कि यार अल्लाह वाले लोग इकट्ठे होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। और दुआएं खैर में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ओ मामा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, मैंने क्वेश्चन आपसे ये करना था कि जिस तरह आप कहते हैं कि लड़कियों को दीन का काम करना चाहिए और इस तरह से इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, तो मुझे एक चीज ये नहीं समझ आ रही कि अगर हम पढ़ें भी तो फिर हम साथ साथ पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते ना। मतलब एक काफ़ी वक्त हमारा दिन का उस तरह गुजर जाता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो फिर मुश्किल से कोई थोड़ी सी बुक पढ़ने का टाइम मिलता है, लेकिन वो भी अब वो बर्डन की वजह से जो कॉलेज में काम मिलता है तो वो हम नहीं कर सकते इस तरह। तो किस तरह से हम दीन की पढ़ाई की बात करें? नहीं, मतलब दीन का काम करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए भी दीन की नॉलेज की बात करें। तो किसी और नॉलेज के लिए इतना टाइम आप सर्च करेंगे कि दीन की नॉलेज के लिए टाइम नहीं मिलता, अभी कह रही। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि मतलब छोड़ दूं मैं कॉलेज छोड़ देती हूँ ना, फिर मुझे तो कोई मसला नहीं है इसमें। तो फिर कॉलेज क्यों? अगर किसी मसले के हल के लिए कॉलेज की पढ़ाई करी ना, वो क्या मसला है? मुझे मैं ये कह रही थी कि सर आप कहते हैं इंडिपेंडेंट होने चाहिए तो उसके लिए पढ़ना भी जरूरी है फिर। हाँ, देखें हर इंसान के पास 24 घंटे ही हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं जो कि 25 घंटे हो, ठीक है, जिसके पास घड़ी में 25 घंटे हो। तो आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। कितनी उम्र है आपकी? मैं 18 इयर्स की हूँ। हाँ तो बस ठीक है, आप कॉलेज की पढ़ाई के घंटे क्यों काम करें, आप नींद के टाइम के घंटे काम करें ना आप जरा। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, और एक छोटा सा सवाल मेरा और था, कॉलेज टेम्पररी है मैं इसलिए कह रहा हूँ, कॉलेज टेम्पररी है। नींद बड़ी पक्की रखी हुई हमने, नींद के घंटे कम करें, 4-5 घंटे बहुत होते हैं सोने के लिए। ठीक है जी इंशाल्लाह, मैं ठीक है उस तरह कर लूंगी। एक छोटा सा सवाल मेरा ये था कि जब कॉलेज खत्म होगा ना आपका तो फिर और टाइम मिलेगा आपको फिर। ठीक है, तो एक छोटा सा सवाल मेरा था कि मेरी एक फ्रेंड है आयशा, तो वो जरा कुछ मतलब वो भी दीन का काम करना चाहती है, लेकिन उनके ना कुछ फैमिली बैकग्राउंड से इस तरह से कि वो पहले बचपन में उनका कुछ इस तरह प्रॉब्लम्स रहे, तो वो कभी कभी बीच में आके इस तरह की बात करती है कि शायद अल्लाह को मेरी जरूरत नहीं है, तुम लोग कर लेते हो, तुम लोग के पास ये भी है तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो अल्लाह ताला को शायद मेरी जरूरत नहीं है। तो वैसे वो बहुत ज्यादा पैशनेट है, मतलब कभी कभी मैं डर जाती हूँ मेरी जरूरत नहीं है, पता नहीं वो कभी कभी इस तरह की बात करती है कि मैं खुद डर जाती हूँ। मतलब डरने की बात है, बड़ी खूबसूरत बात है, अल्लाह ताला को किसी की जरूरत नहीं है। नहीं, यानी कि अल्लाह ताला ने मेरे से कोई काम नहीं लेना, मुझे फजूल पैदा किया है, उससे बात करती है। मतलब कभी कभी वो इतनी पैशनेट होती है, कहती है मैं भाग जाऊंगी फिलिस्तीन, मैं उसको उतनी मुश्किल से रोक के रखती हूँ, मतलब वो भाग भी जाएगी मुझे पता है कभी, अगर मतलब वो इस तरह की है तो। लेकिन कभी कभी वो रोना शुरू हो जाती है, आगे तो नहीं जा सकती, फिक्र नहीं करें जी, वो तो मुझे पता है, लेकिन मतलब वो मुझे उसके वो नहीं समझ आते कि कभी इतनी ज्यादा होती है कि नहीं, मैंने लेकिन इसे केमिस्ट्री थिंग केमिस्ट्री में आग तो लगी हुई है बच्ची के अंदर, ठीक है, उसको चैनल करवाएं ना, आपका काम है, मुसलमानों का काम है उस एनर्जी को खत्म ना होने दे, हार्नेस करे, ठीक है, हार्नेस का मतलब पता ना, प्रॉपर ऑप्टिमाइज करे, उसको सही डायरेक्शन दें, एनर्जी तो मतलब केमिस्ट्री की आवाजें तो आ रही है ना, फलस्तीन के वो लोग वाशिंगटन और न्यूयॉर्क और लॉस सैन फ्रांसिस्को जाने की बातें करें, वो फलस्तीन की बात करे, इसका मतलब है शी हैज सम सॉर्ट ऑफ अ फायर बर्निंग इन हर कि मैंने कुछ करना है, ठीक है, तो उसको चैनल करवाएं ना, डायरेक्शन दें। लड़के कर सकती हूँ, मैं सिर्फ लड़ सकती हूँ, मतलब मैं फलस्तीन का असली इलाज जो है ना, वो फलस्तीन का असली इलाज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर है, उसके अंदर पहला इंस्ट्रूमेंट पॉलिटिकल वॉरफेयर है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ऊपर, पॉलिटिकल वॉरफेयर नीचे, हमने इसको उल्टा किया हुआ, हम पॉलिटिकल वॉरफेयर कर रहे हैं, ठीक है, और समझे, ठीक है, तो उसको बताएं कि इसको किस तरीके, और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअल वेपनरी आर्सेनल पूरा करना पड़ेगा, क्रेडिबिलिटी लेके आएगा, मतलब उसको मैं किस तरह समझाऊं कि तुम कर सकती हो, मतलब उससे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं, वो कहती है मैं कहीं खड़ी हूं तो मैं कांपना शुरू हो जाती हूं, तो मैं नहीं कर सकती। चलें, वो एक मुझे अब उसका खातून का डेटा नहीं है ना मेरे पास, तो मैं ऐसे तो नहीं बता सकता कि हाँ उसके बारे में इतनी सी बात सुनी है तो उसको ये साइकोलॉजिकल इशू, ऐसे तो नहीं होता, मगर आपका काम है हर इंसान को कंपोज करवाना, उसकी पर्सनैलिटी को कंप्लीट करवाना, वरना वो अल्लाह के यहाँ टोके नहीं, ऐसे नहीं, वो आपको ऐसी सहेली मिल गई, यू नीड टू टेक इट अप एज अ प्रोजेक्ट, ओके, इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह। नबील साहब अस्सलाम वालेकुम, नबील मेरा सवाल ये था कि मैं किसी से कॉन्फिडेंस यानी कि बात नहीं कर सकता, की आवाज सही नहीं आ रही सर। अब्बास अली साहब, अब्बास अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, कैन यू हियर मी सर? यस सर, यस सर, आई वांटेड टू आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, लाइक आई ऑलरेडी रीच्ड आउट टू द एडमिन्स ऑफ आई थिंक सिंपल आर्गुमेंट ग्रुप, लाइक आई हैड अ क्वेश्चन दैट आई आल्सो वांटेड टू ask you the question directly on your WhatsApp number, but they didn't share me your WhatsApp numbers, like they told that I can't share, it's a private, all right, but I also shared my questions to them, but it's been around like 1.5 to 2 months, I didn't hear back from them yet, and like my question was that in one of your videos I saw that you told that in chapter 27 Surah An-Naml, that where Asif is doing that teleportation, like قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ, that ayah you told on that video that he was having the knowledge of the scriptures, means knowledge of the Quran. So my question is to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So and Asif was the guy who was in the time of Sallallahu alaihi wasallam. So how come that he was having the knowledge of Quran at that time? Because of two things you have to understand here. Number one, Urdu समझ लेते हैं आप? जी सर जी, मैं इंडिया से समझ लेता हूँ। ओके, तो मैं उर्दू में इसलिए बोल रहा हूँ ज्यादातर लोग अंग्रेजी नहीं समझ सकते जो इस वक्त ऑडियंस में। जी जी ठीक है। तो कुरान इसलिए क्योंकि किताब का जो इल्म है ना, वो ये एक कॉनोटेशन बड़ी टेक्निकल है, और अल्लाह ताला की किताब का इल्म जो है ना, वो उस बंदे ने कहा था कि अल्लाह ताला की किताब का इल्म है मेरे पास, ठीक है, तो अल्लाह तो अपनी किताबें नहीं बदलता ना, तो इंसानों ने बदली हैं जी, तो अल्लाह की तो वही मामला कुरान में, तो बल्कि वो कुछ भी है जो पिछली किताबों में नहीं था, जी ठीक है। और अब्दुल्ला बिन अब्बास ने यही कहा था कि कायनात का कोई भी सवाल ले आओ, मैं कुरान से आंसर दे दूँ, क्योंकि नबी इस्लाम ने दुआ की थी कि अल्लाह इसको कुरान का इल्म अता करें। ठीक है जी। सो इसलिए मैंने ये बात की, समझे? जी जी जी। मेरा और भी बहुत सारे सवाल है सर, मगर अभी तो मैं इतना टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि और भी ऑडियंस है जो सवाल पूछना चाहते हैं आपको। आपका व्हाट्सएप नंबर सर मिलेगा, आप मुझे अगर टेक्स्ट कर दे देंगे तो अच्छा होगा, मैं आपको टेक्स्ट सेंड कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखें 0314 0314। मैं पब्लिक में नहीं दे सकता हूँ, मैं मजाक कर रहा था। जी जी। मैं आपको पहुँचवाता हूँ व्हाट्सएप नंबर। मेरी टीम में किसी से ही पूछ लें, मैं आपको मेरा नंबर दे दें। ठीक है सर, मैं सिंपल आर्गुमेंट जो एडमिन है उनसे पूछ के ले लूंगा। हाँ ले जी जी जी। सवाल लिख दीजिएगा, वो मेरा पहुंचा देंगे। जी बिलावल अब खातून से, सॉरी पहले खातून सबा अंसारी के सामने। ओके हमारा आसिफ, अस्सलाम वालेकुम। ओके आपने हाथ खड़े किए हैं इसलिए आपका नाम ले रहा था मैं। अब आप अल शिफा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर। ओके वालेकुम सलाम। सही में आवाज आ रही है? जी क्या आ रही है? बोलो। एक्चुअली मैं इमोशनल इंटेलिजेंस का जो बैच है उसकी ग्रुप 2 की लीडर बात की, तो मैंने आपसे टाइम का जो एक सेशन अरेंज करना था उसके टाइम के हवाले से बात की। बेटा फिर किसी और ग्रुप में आओ ना, इधर क्यों आए? ये पब्लिक सेशन है। ठीक है क्या क्या बात है। वैसे क्या नाम है आपका? हमारा मैं ग्रुप में मिलता हूँ जरा तफसील से। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी लगाई है आपने। वैसे क्लास के ग्रुप की बात करिए ना आप। जी जी कल का टाइम में इंशाल्लाह लॉक करता हूँ। अभी मुझे आपके ग्रुप में से किसी की कॉल आई थी या किसी और ग्रुप से, वो मैं करूंगा। डोंट वरी, इस हफ्ते जरूर होगा आपका सेशन इंशाल्लाह। मरियम शाहीन। मरियम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जोहा अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मरियम सर मेरा आपसे सवाल ये है, आई होप आई कैन आर्टिकुलेट इट वेल। आपने कहा कि 3 स्टेप स्ट्रैटेजी आपने बनानी है, नॉलेज, स्किल और एट्रीब्यूट, खुद के लिए भी और फॉर योर चिल्ड्रन। अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो अगर हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है तो हम उनके लिए नॉलेज आउटसोर्स कर सकते हैं। Yes. अगर हमारे पास स्किल नहीं है तो हम उनके लिए स्किल आउटसोर्स कर सकते हैं। लेकिन yeah. हमारे पास अगर एट्रीब्यूट नहीं है इन द पेरेंट्स तो पहले 10-12 साल में मुश्किल होता है कि हम एट्रीब्यूट्स आउटसोर्स कर सकें। क्या जबरदस्त सवाल है, क्या बात है। क्या नाम है आपका? मरियम शाहीन। मरियम इसलिए तो कह रहा हूँ कि इस नस्ल को कुर्बानी देनी पड़ेगी और एडमिट करना पड़ेगा कि यार मैं फेलियर हूँ इस्लाम में, तुझे पास कराना है तो मेरे पे ना जाए, जो मैं करवा रहा हूँ ना, जो तेरी रिसोर्सेज इकट्ठी कर रहा हूँ उस पे रहे। ठीक है, उस कन्फेशन की बिना पे अल्लाह बरकत डालेंगे, वरना एट्रीब्यूट्स तो हमारे डेवलप नहीं किए गए कि हम अपने बच्चों को अली बिन अबी तालिब या उमर खत्ताब बना सके। हालांकि एक एट्रीब्यूट तो आपको डेवलप करना पड़ेगा जो अल्लाह ताला देगा भी इंशाल्लाह। नीयत बनाएंगी ना तो वो एट्रीब्यूट आ जाएगा। और वो क्या है कि आप खलूस के साथ, सिंसेरिटी के साथ अटैम्प्ट करें। जो सिंसेरिटी है ना वो अल्लाह ने गिफ्ट दी हुई है माँ बाप को, तो उसके ऊपर वो करेज दिखानी पड़ेगी। क्या करेज है कि मैं तो नहीं कर सका, मेरे माँ बाप ने नहीं वो एट्रीब्यूट्स बनाए, मगर मैं वो कुर्बानियां दूंगा या दूंगी कि जिसकी वजह से मेरे बच्चों का कैरेक्टर बिल्ड होगा। ठीक है, लड़ूंगी मैं अपने माशरे से, खानदान से कि नहीं, इस्लाम और मेरे बच्चे के बीच में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये करेज तो चाहिए होगी। तो ये करेज अल्लाह ताला बच्चा पैदा करते ही माँ में डाल देता है। बिल्कुल इसी से रिलेटेड है कि जिस तरह आप करेज की बात ज्यादा करते हैं, एक तो ये कि करेज के अलावा और कौन सा एट्रीब्यूट हो? ऑनेस्टी एंड ट्रस्टवर्दीनेस बेसिक सी बात है। आपके अंदर अल्लाह ताला के नबी इस्लाम के और साफ निकालें और लगाएं लिस्ट। ठीक है, वो सारी इखलाकियात वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, अच्छा नहीं सिर्फ इखलाकियात नहीं, इखलाकियात तो जरूरी है ना, वो तो बेसिक मेरिट है, मगर करेज की वजह से काफी सारे और एट्रीब्यूट्स जो है ना वो डेवलप हो जाते हैं, वो आउटपुट होती है। वो एट्रीब्यूट्स को पहले आपने लिखना है, फिर रिवर्स इंजीनियर करना है। खाली एम्प्टी मतलब खाली करेज को मैंने कहीं चैनल तो करना होगा ना। बिल्कुल ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग में आपको एक इसका इकोसिस्टम जो है ना हमने बनाया, वो इसी बेस पे बनाया है ना, पूरा मैप है वो अभी वेबसाइट पे नजर आ जाएगा आपको कि बच्चा पिछले जितने भी पुश्तें गुजरी हैं उनके उस मैकेनिज्म को तोड़ेगा तो इंप्रूवमेंट लेके आएगा। तो उस मैकेनिज्म को तोड़ने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है कि सोचूं तो सही, क्या पता गलत बता रहे हो। हाँ जी, सबसे बेसिक मेरे कोई नबी थोड़ी है मेरा बाप या मेरे माँ, क्या पता गलत हो आप। तो क्रिटिकली इवेल्युएट करने की स्किल तो होनी चाहिए ना, ये एट्रीब्यूट बहुत जरूरी है कि ये स्किल बनी हुई हो, ये एट्रीब्यूट कि मैं करेज से चैलेंज कर सकूं, किस स्किल के थ्रू वैलिडेट करूंगा क्रिटिकल थिंकिंग को के थ्रू। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस, क्यों मैंने ये दो कोर्सेज सबसे पहले हमने क्यों स्टार्ट किए हैं इकोसिस्टम में, ये बेसिक्स हैं कि पहले मैं पुराने उस चक्के को तो तोड़ूं और फिर नए चक्के को चलाने के लिए मुझे इतना प्रेजेंटेबल और अपने आप को इतना इमोशनली इंटेलिजेंट करना पड़ेगा कि लोग मुझे सुन सकें, मैं इतना अट्रैक्टिव हूं कि लोग कहें कि नॉट ओनली दैट ही मेक्स सेंस बिकॉज ऑफ हिज क्रिटिकल थिंकिंग एंड हिज आईक्यू एंड हिज लॉजिकल सेंस, बट ही इज वेरी अट्रैक्टिव टू लिसन टू। अभी ये मुफ्ती साहब की मैं बात क्यों कर रहा था, मुफ्ती रशीद साहब अमेजिंग, मैंने इससे ज्यादा अट्रैक्टिव बंदा कम ही देखा इन दिस ईयर। इमोशनली इंटेलिजेंट प्लेसमेंट है उस बंदे की, जिस द वे ही इज डिस्क्राइबिंग इट। सो इट्स स्किल, इट्स अ गिफ्ट, यू नीड टू इट्स अ गिफ्ट ओके, जो कि मुसलमान का खासा होना चाहिए। एक मुसलमान क्यों मौलवी बेजार है, मौलवी इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होता, समझ रहे। तो ये दो बेसिक्स हैं कि आपने एक दफा पिछला चक्का तोड़ दिया तो अगले चक्के को चलाने के लिए ये दो बेसिक्स हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल आती है, ठीक है, उसके देयर सो मेनी लिस्ट है ना पूरी। फिर मैं क्यों स्टेम फील्ड की तरफ कर रहा हूं, इकोसिस्टम में अगले सारे सब्जेक्ट स्टेम फील्ड के आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि भाई इस वक्त जो असली फिरौन से लड़ाई करनी हो तो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर की है। वो अगला कुरान को मानता होता, सारी दुनिया मुसलमान होती और फिर भी ये हालात होते, तो फिर हम कहते हैं नहीं यार कुरान के थ्रू आंसर नहीं, वो तो कुरान को ही नहीं मानते। ठीक है, इस वक्त तो फिरौन और मूसा की लड़ाई चल रही है, तो इस वक्त हमने वही वाला काम करना है कि जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया। अगर ये बनी इसराइल के लोग होते तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाला जो काम किया, और यही मकन्स और पेगन्स होते अरेबियन, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो काम किया कि बलागत के थ्रू इनको बताएंगे, इनको बलागत में बड़ा नाज है ना। ठीक है, इस वक्त का फिरौन है ना, वो स्टेम फील्ड्स के अंदर अपने आप को अल्लाह से दूर करवा रहा है, दुनिया को ढूंढता वो अल्लाह को ही है, खुशनीयत भी होंगे ना, मगर चूंकि अल्लाह ताला ने हदायत तो कुरान पाक के थ्रू देनी है, वो उससे दूर है, तो वो हमला करते हैं उस साइकोलॉजी पे, और उनके पास हमला करने के लिए बड़ा ईजी टारगेट है मुसलमान, क्योंकि मुसलमान हर तरफ से इनकॉम्पिटेंट। So we need to play the same game with our own rules. We know the psychology. We know how it works. Okay? We just need to place our competence in the right zones. Yeah. Intellectual warfare is far superior than physical warfare. Asli jihad intellectual warfare hai. ठीक है, दूसरे वाला जहाद की जरूरत पड़ेगी तो करना पड़ेगा, उसके लिए ट्रेनिंग तो लेना, मगर इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर की तो जीरो है। हमने तो पहले ही मान लिया कि नहीं जी, चूंकि गोरा है, फिजिक्स का साइंटिस्ट है, बस जो कहेगा हम कुरान को भी ट्रम्प कर देंगे। ठीक है, सो इमीडिएटली ना हमने भी ये शिफ्ट की। मैं आपको आप तफसील पे तो नहीं जाऊंगा, वो वेबसाइट पे देख लीजिएगा कि ये दो बेसिक स्किल्स जो है ना एडल्ट के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग की और टीनेजर्स के लिए भी, और इमोशनल इंटेलिजेंस की बेसिक्स है, मेरिट है कि इसके अलावा तू पुरानी ट्रेन नहीं रोक सकता जो चलती हुई, उसके नीचे आ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, जो करेज की बात है, ये कैरेक्टर एट्रीब्यूट है, ये स्किल नहीं है। करेज इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द कैरेक्टर। ठीक है, ये इसके लिए प्रोजेक्ट्स और टास्क, देखें किरदार पढ़ाया नहीं जा सकता, किरदार सिखाया जाता है बस। तो उसके लिए बैदर पै कुछ ऐसे मराहिल से गुजारना पड़ेगा बच्चों को भी और बड़ों को भी, कि दो तरह की करेज होती है, फिजिकल और इमोशनल। फिजिकल करेज बहुत आसान काम होता है, इस तरह की फिजिकल स्पोर्ट्स में डाला, बॉक्सिंग कराई, MMA कराया, लड़कियों को भी लड़कों को भी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, गन ट्रेन होंगे, फिजिकल करेज आ जाएगी। इमोशनल करेज का असली मसला होता है जब अपने माँ बाप को चैलेंज करना होता है, जब खानदान को चैलेंज करना होता है, जब किसी ट्रॉमा को चैलेंज करना होता है कि अपने आप को चैलेंज कर दूं। ये बड़ा घोड़ा इधर डाउन हो जाता है आके, बड़ा पहलवान इधर जो है ना चारों खाने चित्त हो जाता है कि यार इमोशनल करेज नहीं आ सकती, लड़ाई करवा लो मेरे से, गोली खा दूंगा, मगर कन्फ्रंटेशन नहीं होगी मेरे से, समझ रहे। अभी सामने इमरान खान बैठा हो, कोई कह सकता है कि खान साहब उइगर मुस्लिम्स के बारे में क्यों नहीं आपने एक पूरी कैंपेनिंग की थी जब आप वो थे, या आप जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे थे तो आपने असली बातें क्यों नहीं की थी? इसके लिए करेज चाहिए होती है, फिजिकल करेज। कोई लड़ाई करनी है, कोई मारेगा आके? नो, वो जो इंफीरियोरिटी आएगी ना आपके अंदर, वो इंफीरियोरिटी लैक ऑफ करेज की वजह से आएगी। समझ रहे कि किस बात से डर रहे हैं? वो उसकी पॉलिटिकल पोजीशन की वजह से डर रहे हैं। नवाज शरीफ सामने बैठा हो और कहीं सर ओबामा था, कोई अल्लाह मियां तो नहीं बैठे हुए, तो ऐसे आप ऐसे कहां पर सजदा कर रहे हैं उसको? मतलब मरीम नवाज शरीफ के साथ बैठ के आप कह सकते हैं कि आप ये बताएं बदर की लड़ाई में, मरीम नवाज शरीफ के लिए मैं ये पैगाम दे रहा हूँ, बदर की लड़ाई में कुफार लड़ रहे मुसलमानों से और एक आंटी कुफार को, अबू जहल को काले चने और कीमा खिला रही हो कि शाबाश शाबाश तुझे भूख लगी होगी, बड़ा जबरदस्त खाना बनाते। आप सोचें, अबू जहल को काले चने और कीमा खिला रही हो एक औरत बदर की लड़ाई में, आप क्या सोचेंगे उस औरत के बारे में? एग्जैक्ट सही काम किया ना नवाज शरीफ की बेगम ने, मरीम नवाज की मां ने यही किया ना। वो अपाची हेलीकॉप्टर भेजे 35, उसने 300 बच्चे मारे और नवाज शरीफ काले चने और कीमा लेके जा रहे उसके लिए। सोचें तो सही, अब ये मेरे सामने नवाज शरीफ बैठा हो तो कैन आई हैव द करेज टू से दिस? वेल, आई बेटर हैव दैट करेज टू से दिस। यस, द बेयर मिनिमम ऑफ मुस्लिम कि भैया तुझे अल्लाह ने एक कुर्सी किसी वजह से अल्लाह के तो के नहीं है, तुझे कुर्सी दी थी तेरे टेस्ट के लिए और तुझे हमारे टाइम पे पैदा किया हमारे टेस्ट के लिए कि तू सामने एक दफा आया और तुझे गले से पकड़ के पूछूं कि मियाँ तुझे वो 35 अपाची काले काले हेलीकॉप्टर नजर नहीं, तुझे काले चने नजर आए उस वक्त? सोचने वाली बात है ना बेटा, करेज। देखें यहाँ पे क्या कोई दंगल लगना था, हाथापाई होनी थी ओबामा के साथ कि कौन ज्यादा जिम जाता है, ओबामा भी पागल था ऐसे पहलवान से लड़ाई करता। ये इमोशनल करेज की बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक चीज मैं करेज में आपसे पूछना चाहूंगी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने जो ऑब्जर्व किया है पेरेंट्स में मदर और फादर, अगर फादर में करेज है इवन दो इज नॉट अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, लेकिन करेज है तो उसके बच्चों में वो करेज आता है, वो ऑटोमेटिकली उनको ट्रेन करता है। लेकिन अगर फादर में करेज नहीं है और मदर में करेज है तो आई हैव सीन के द सन्स बिकम लाइक द फादर, तो फिर उनमें करेज लैक करता है कहीं ना कहीं, बिकॉज हर बेटा ऑब्वियसली अपने बाप को ही आइडियलाइज करता है कहीं ना कहीं। तो इस केस में मतलब आपकी क्या एडवाइस होगी ऐसे पेरेंट्स के लिए जिसमें फादर में करेज नहीं है, इट्स काइंड ऑफ वीक इन करेज इवन डिपेंडेंट ऑन हिज ओन पेरेंट्स, तो उनके बच्चों में फिर करेज कैसे डेवलप कीजिए? रूल नहीं जो आपने बताया है कि बाप कमजोर है तो बेटा कमजोर ही होगा, ऐसा तो कोई साइकोलॉजिकल रूल नहीं है। यस, प्रोबेबिलिटी जरा ड्रॉप होती है तो माँ को फिर दुगना काम करना पड़ेगा। माँ अगर कमजोर बुजदिल है, याद रखिएगा बुजदिल का काम इस्लाम में कुछ नहीं है, बुजदिल इस्लाम को भी डुबोएगा, ये याद रखिएगा। जो मर्जी किस मर्जी सेक्टर में ले जाए, डोमेस्टिकली भी, पोलिटिकली भी, सोशली भी, इंटेलेक्चुअली भी, बुजदिल बंदा मरवाएगा ही मरवाएगा। ठीक है, हजरत उमर बिन खत्ताब ने दुआ की, या अल्लाह मुझे कवी काफिर और ज़ईफ मोमिन के शर से बचाई। बिल्कुल ठीक है, ज़ईफ मोमिन बाबा नहीं है वो, ये बुज़दिल कि कमजोर ईमान के कांप जाएगा, भाग जाएगा, ये ऐन उस मौके पे जो है ना नुकसान पहुंचाएगा जिस मौके पे सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तो ना औरत ना मर्द, और तो देखिए ना देसिस्तान ट्रेनिंग ही बुज़दिली करता है, यार किसी का मसला हाथ में ना हाथ ना डालो बीच में, ठीक है, या फिर तेरा तो काम नहीं है। एक्सीडेंट में पड़े हुए लोग, सड़क पे एक्सीडेंट हुआ, सारा का सारा इस्लामाबाद गुजर जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं को बचाऊंगा तो पुलिस वाले मुझे पकड़ लेंगे, अरे तूने कत्ल किया तुझे पुलिस वाले पकड़ लेंगे, तू बचाने जा रहा है तो अल्लाह के लिए बचा रहा है या फिर किसी को दिखाने के लिए बचा रहा है? तो अल्लाह से भी ज्यादा पुलिस से डरता है, करेज ही नहीं है। समझ? क्यों? साथ अब्बू अम्मी बैठी होती है, तू क्यों गाड़ी रोक रहा है? डरपोक अम्मी ने बेटे को गाड़ी देनी उतरने देती। बिल्कुल ठीक है, ये वो टास्क हैं बेटा जो कि मुसलमान लड़कों लड़कियों दोनों को करनी है। मैंने खुद देखी है वो लड़कियां, मैंने देखी हैं, मेरे सारे दोस्त डॉक्टर हैं ना, अस्पतालों में बहुत टाइम गुजारा है। ऐसी ऐसी लड़कियों ने अस्पताल पहुंचाए हैं, सड़क से उठा के जो एक्सीडेंट हुए हुए लोग। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या उनको नहीं पुलिस का डर? यहाँ हाँ डर है, मेरे साथ हुआ है ना वाकई, पुलिस ने मुझे पकड़ा था ना, ये पेम्स की बात है, डॉक्टर हाथ ही नहीं डाल रहा था, कहता ये पुलिस केस है, एंड आई सेड और पुलिस ने आगे सर्जरी करनी है इस बेचारे की, पुलिस मुझे पकड़ेगी ना, तुझे क्या? नहीं हम नहीं हाथ डाल रहे, डर रहा हुआ था, पुलिस अपना काम ही नहीं कर रहा, ऐसा मुसलमान है। वो बंदा मारा तेरे सामने, ये पुलिस केस है, तुझे तो पकड़ेगी असली पुलिस जो कि फरिश्तों की पुलिस है, तुझे तो वो पकड़ेगी। ठीक है, और इस्लाम ही टेस्ट होता है ना, हर जगह पे इस्लाम ही टेस्ट होता है। यस सर, थैंक यू सर, आई टुक सो मच ऑफ योर टाइम, थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम, हारिस, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम सब के अंदर, आपका नाम क्या है? जोहा फारूक। जी जी जोहा सर, मेरा वहन से रिलेटेड क्वेश्चन था कि हमारे अंदर ये बीमारी पाई जाती है और हमें पता है, हमें मालूम है सर, मतलब हम इसको किस तरह से ख़त्म करें। मतलब जब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि सहाबा कराम के, नबी वसल्लम के दौर में क्या किसी भी सहाबा के अंदर ये बीमारी नहीं पाई जाती थी, और अगर नहीं थी तो मतलब उनकी किस तरह की साइकोलॉजी थी, क्या ऐसा मतलब उनको किसी इस चीज़ का डर ही नहीं था? उनके सामने भी तो वही मौत फर्स्ट टाइम, और मतलब हमारे अंदर ये चीज़ इतनी ज़्यादा बसी हुई कि हमें ना सिर्फ अपने बारे में बल्कि अपने कि हम, मेरे पेरेंट्स को कुछ ना हो जाए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अंदर बैठी हुई है कि इसकी वजह से बहुत सी चीज़ों में रुकावट आ रही होती है। तो हम इस चीज़ को ओवरकम किस तरह करें? ट्रेनिंग से बेटा, ट्रेनिंग से। याद रखिएगा साहबा को नबी इस्लाम ने ट्रेन किया था लिटरली। आपके समझ रहे हैं कि वो बाय बर्थ सारे एट्रीब्यूट्स लेके आते नहीं। नबी इस्लाम ने एक एक करके, आप याद रखिएगा नबी इस्लाम ने जब भी कोई काम देना होता था ना, ये सुन्नत बड़ी साइकोलॉजिकल केस स्टडी है कि नबी इस्लाम ने एक ही काम हर बंदे से नहीं लिया, या हर तमाम बंदों से एक तरह के काम नहीं लेते थे। काम की नोयत देख के वो नाम बताते थे कि ये इससे को ये हुज़ैफा को बुलाओ, या अली बिन अबी तालिब को बुलाओ। ठीक है, गौर समझे इस बात को, हर बंदे को उसके एट्रीब्यूटल स्ट्रक्चर के। मगर करेज की ट्रेनिंग नबी इस्लाम ने सबको दी हुई थी, और वो कैसे दी थी? अल्लाह ताला खुद दे रहे थे, कुरान की आयतें नबी इस्लाम साइकोलॉजी में बता रहे थे कि भाई ये तवक्कल का मतलब क्या है। तवक्कल का मतलब क्या है कि भाई नहीं कुछ तुझे कत्ल कर सकता, जितने मर्जी तीर चले, जब तेरी नहीं लिखी अल्लाह ने, जब तुझे रूह नहीं कब्ज करनी तो नहीं करनी। ठीक है, अब ये तवक्कल की ट्रेनिंग हमारे यहाँ किस तरह दी जाती है? जब कोई देसी किस्म का मसला हो, घरेलू किस्म का, वहां पे फिर लोगों को कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। जब असली मौका आ रहा है अल्लाह मालिक है, तो फिलिस्तीन जाओ ना, वहां पे नहीं अल्लाह मालिक। ये तुम्हारे घरों के अंदर सास बहू की लड़ाई में अल्लाह मालिक है, बिजनेस में मसला हो रहा है अल्लाह मालिक है। और जो असली अल्लाह, जो असली मालिक है, उसने कोई किताब में असली अहकाम दिए हुए, उधर आके अल्लाह मालिक क्यों नहीं है? सोचें तो सही। सो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हकाम को साइकोलॉजिकल पेनिट्रेशन से अंदर सरायत करवाई थी कि सबसे पहले मौत का डर खत्म कर। वाहन है ना, मौत का डर, दूसरा क्या है वाहन में? दुनिया से प्यार, मौत का डर, ये दो काम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म कराए। सोचने सही, पूरा कारवान आया हुआ है, काफिला आया हुआ है उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु का, और तबूक का गजवा सजा हुआ है पूरी तरीके से, बटालियन पूरी की पूरी यूनिट से इकट्ठे हो रहे हैं। और उस्मान कह रहे हैं काफिला इतना है, ये नहीं या रसूलुल्लाह, दूसरा ये नहीं या रसूलुल्लाह। तीसरी दफा नबी इस्लाम ने कहा कि और दो रिसोर्स चाहिए ना, इस वक्त पूरी फौजें असेंबल हो रही, सारा का सारा काफिला या रसूलुल्लाह। नबी इस्लाम ने क्या कहा? आज के बाद उस्मान जो मर्जी करे। क्यों? वो साफ सबूत दे रहे हैं उस्मान गनी के वाहन नहीं है भाई, इस बंदे में वाहन नहीं है। अपनी पीक ऑफ द पीक इन्वेस्टमेंट अभी निकलनी है शाम के लिए, नहीं यहाँ पे डर लो सारा, अल्लाह को चाहिए, अल्लाह को चाहिए। ठीक है, अबू दर्दा, नबी इस्लाम ने कहा कौन है तुम में से जो अल्लाह को कर्ज दे? अबू दर्दा ने कहा या अल्लाह, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला पैसे मांग रहा है हमसे। नबी इस्लाम ने कहा हाँ मांग रहा है तुमसे, क्यों? पैसों की मोहब्बत है ना, अल्लाह ताला वो खींच रहा है। सोचें अबू दर्दा ने क्या किया, कहते ठीक है मेरा बाग है अल्लाह के नाम, बेचें और पैसे निकालें और डालें इसको अल्लाह ताला की राह में, जो कि तबूक का गजवा है। बाग ही था उनका, उसी में घर था। गए बेगम को जाए कहा कि बाग तिजारत में दे आए हो, और बेगम ने कहा एक ही तो घर भी इसी में है, बाग ही पूरा का पूरा दे आए हो। हाँ कौन सी ऐसी कौन सी तिजारत है, अल्लाह को दे आए। तो बेगम ने क्या कहा? कहते देखिए ट्रेंड होते हैं, नबी इस्लाम की ट्रेनिंग देखी। बीवी ने क्या कहा? बच्चा उठाए हुआ हाथ में, छोटा बच्चा उठाए, पाकिस्तानी बच्चा, बच्चे की बना पे इस्लाम छोड़ते हैं हम सारे कि बच्चे हैं जी, ये तो बच्चे का सवाल होगा हमसे, इसलिए मैं हर चीज कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ इस्लाम की, क्योंकि बच्चे का सवाल हो जाएगा। ये जबरदस्ती की ना, अपने अपने अंदर की बीमारी बच्चे पे डालते हैं। तो उनकी बीवी ने क्या कहा कि क्या नफे का सौदा करके आए, चलो बच्चा उठाया और निकले, ये सब कुछ अल्लाह को दे दी। ये कहा वाहन की बीमारी का तोड़ नबी इस्लाम सबसे पहले वाहन की बीमारी को ट्रेन किया कि वाहन ना आने देना। That's why I keep on saying बिल गेट्स जितनी दफा बिल गेट्स, जेफ बेजोस यार मुझे पता है इंसान है वो, अल्लाह ने बनाया इंसान। उन्होंने जो काम किया वो किसी को भी नहीं पता। उन्होंने कितने पैसे बनाए सबको पता है। वाहन खुद डाल रहे ना माँ बाप। घरों के अंदर जेफ बेजोस की बातें हो रही है। अब छोटे छोटे बच्चों के सामने बिल गेट्स को क्या काम है भाई? वो बिल गेट्स की खाली उम्र ही बता दो कितने, नहीं पता। बिल गेट्स के बच्चे कितने, नहीं पता। बिल गेट्स ने जो विंडोज बनाई थी, डॉस बनाई थी, डॉस किससे खरीदी थी, नहीं पता। अच्छा, विंडोज 3.1 और विंडोज 95 में फर्क क्या था, ये कैसे पता? और भाई तो बिल गेट्स को कुछ भी नहीं पता सिवाय इसे कि $82 बिलियन है। बता दो सही कि तुझे असली बीमारी क्या है बिल गेट्स के नाम के, टैग लगा रहा है बैठ के। एवरीवन नोज कि असली गेम क्या खेली जा रही है। कौन खेल रहा है? अब्बू खेल रहा है। ऐसे घूरता है, बड़ी गाड़ी गुजरती है अपने बेटों के सामने, गाड़ियां रोक के ऐसे देख रहा होता है कि वो बड़ी सी गाड़ी गुजरी है। बच्चों ने भी कहना है कि अब्बा जी यही है फिर दुनिया का मकसद, यही है जिंदगी का असली फलसफा। माए घर नहीं लेके दिया, तेरा बाप सिर्फ घर नहीं बना के सका, सारी उम्र घर नहीं बना सका। पाकिस्तान की हर औरत का फर्स्ट जुमला, तेरा बाप जो है ना घर नहीं बना सका, मुझे घर नहीं दे सका। ऐसी माओ ने लानत बरसाई है ना पूरी कौम। घर नहीं बना सकता तेरा बाप, ये इसलिए क्वालिफिकेशन दी बाप की। जी बच्चों ने कहना बेटा जो कुछ मर्जी हो वो काम जरूर करूंगा जो बाप ने किया, और मैं बीवी को घर बना के दूंगा। आप सब ने ये जुमले अपने अपने घरों में सुने हुए। मैं इसी कौम का हिस्सा हूं। वी ऑल नो कि ये यही है, ये अम्मी और यही अब्बू जिन्होंने मरवाया हम सबको, मुस्लिम आइडेंटिटी से दूर करवाया, वाहन खुद डलवाया इन्होंने। मैंने आपसे कहा ना साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हुई है। एंड इट्स अ वॉर दैट वी बेटर विन नाउ। पीपल इन द 20s एंड पीपल इन द 30s, दे आर माय ओनली होप। It takes a decade-long experience or an exposure of a world to realize के भैया कुछ attributes खुरच के निकालने पड़ेंगे अपने अंदर से, खुरच के। कई दफा तो खून जिस्म के आजाब ही बाहर आ जाएंगे, इतनी अंदर तक वायरस जलवा दिए इन्होंने हमारा। मगर निकालना तो पड़ेगा, किसी एक नस्ल को तो निकालना पड़ेगा। सॉरी इसके, और मैं माओ की बात बता रहा हूं, ये माएं निकलवा सकती हैं क्योंकि इतना टाइम और जिस जगह पे वो बच्चा आपको मिल गया ना लाइफ में, जिस एज में वो बच्चा आपको मिल गया है, वो इतनी बिल्कुल स्लेट खाली है, जो लिखेंगे पूरा। चाहे बाप जितना मर्जी वाहन का मरीज हो, माँ अगर चाहे ना निकाल सकती है वाहन उसमें, मौत का डर ना है। मगर माए हाय मेरा बच्चा, या अल्लाह हजार साल, या अल्लाह हजार साल, मेरा बच्चा हजार साल। रियली वो मुहावरा ही बोल दो, 100 साल का बोल दे, 200 कर दे यार, 1000 साल मतलब 920 साल की बीमारी मांग रही है अपनी बेटे के लिए। मतलब 80-90 साल के ऊपर बंदा तो लागर होता है, 920 साल व्हील चेयर पे, या अल्लाह 920 साल व्हील चेयर पे। असल में ये दुआ मांग रही है 1000 साल के। अगर किसी ऐसी माँ की दुआ कबूल होगी ना तो 920 साल बददुआएं देगा उसका बेटा कि या अल्लाह मेरी माँ ने मरवा दिया। 920 साल व्हील चेयर पे, मतलब मैं अस्पतालों में लोगों के मोहताजी में मर रहा हूं क्योंकि माँ की दुआ कबूल हो गई थी 1000 साल की उम्र। ये हैं वो बेशरम लोग जो कि अपने आप को फिर अभी ऐसे तस्बीहां ऐसे फेर रहे होते हैं, हाथों में तस्बीहां पकड़ी हुई हैं। लेकिन ना जरा पुराने जितने भी बाबे आंटी अंकल्स तस्बीहां ऐसे पकड़ी जैसे पता नहीं कौन सा तबूक का गजवा करके वापस आए हैं, क्या वो बशारत आई है, फरिश्ता साथ आया है इनके। सारी बीमारी डाली हुई है बच्चों में, तस्बीहां इतनी मोटी तस्बीहां पकड़ी हुई। 8-8 हज अलहाज मोहम्मद जुबैर साहब। Understand the bigger problem. The bigger problem is that we glamorize this through our, रालें टपकी हुई हैं बाबों और आंटियों की। रालें टपकती हैं बड़ा घर देख के, बड़ी गाड़ी देख। रालें टपकाने वाले बच्चे ने वो राल से वुजू करना है, लिटरली वो वुजू कर रहा है, वो समझ रहा है इस्लाम यही है। आपकी वो रालों से वुजू कर रहा है बैठ के। सर मतलब और अपने आप को भी मोमिन भी समझ रहा है वो। सर डबल बातें होती हैं। मतलब ये कि आप फलसफा तो बच्चों के सामने वही बयान करें कि इस्लाम का और असल आखिरत का, लेकिन आपके सारे अमाल जो हैं वो ये वाले होते हैं कि मतलब आप नमाज के लिए तो वो वाला टेम्पर नहीं शो करते जो आप जब वो पढ़ाई नहीं कर रहा होता तो उस वक्त शो हो रहा होता है। मतलब इस चीज में बहुत डिफरेंस मैंने नोट किया है। Yeah, that's true. So you know exactly how to fix it then, inshallah. Assalamu alaikum, Salman Veer. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. सर मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि आपकी वीडियोस लेक्चर सारे देखे अब तक जितने अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा असर हुआ है। सवाल ये पूछना था कि मुस्लिम आइडेंटिटी और इसमें जितना 25 साल मेरी उम्र है तो जितना इस्लाम मैंने पढ़ा है, मुझे अहले बैत की तालीमात बहुत ज़्यादा नजर आई हैं। तो आपसे पूछना था कि किसी भी लेक्चर में अभी तक आपसे अहले बैत का जिक्र नहीं सुना, ना उनकी तालीमात के बारे में इतना सुना है। सहाबा तक को आप क्रेडिट ज़रूर देते हैं और बेशक उनका बनता है, लेकिन इस्लाम में तो दो चीज़ों की बात हुई थी कि मजबूती से पकड़ना है, उनमें एक कुरान और एक अहले बैत। तो अभी तक मुस्लिम आइडेंटिटी कंप्लीट कैसे आप करने का इरादा रखते हैं अहले बैत के बगैर? अहले बैत से मुराद क्या आपकी? सर, अहले बैत की जो कुरान से और हदीस से डेफिनेशन अब तक मुझे नजर आई है, उसमें पंजतन पाक ऑब्वियसली आ जाते हैं, नबी, उनकी बेटी और हजरत अली और इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम। तो वैसे तो इसकी बहुत एक्सटेंडेड डेफिनेशंस है, लेकिन एक मेजर डेफिनेशन तो हमारे पास इमाम हुसैन तक मौजूद है। तो आप मेरी कौन सी वीडियोस देख रहे हैं जिसमें हुसैन का लफ्ज नहीं मिला आपको? सर, तालीमात की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब नबी ने यह फरमाया कि दो चीज़ों को पकड़ना है जिसमें कुरान और अहले बैत है, तो अहले बैत का एज सच आपसे इतना ज़्यादा सुनने को नहीं मिला। अगेन मैं क्लैरिफाई थोड़ा सा करता चलूँ कि मैं पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि जब इस्लामिक हिस्ट्री को देखा जाता है तो आप भी जानते हैं कि नबी के बाद जो जंगें हुई हैं वो मुसलमानों में आपस में हुई हैं, और उसमें अहले बैत का काफ़ी हद तक मतलब इनके साथ ही इख्तिलाफ रहा है मुसलमानों की आपस की जंगों में। तो एक मुसलमानों के साथ ना और समझ लें, और ये अच्छा हो गया कि आपने ये बात इस एंगल से ट्विस्ट कर दी है कि इस जाविये में ले आए हैं। ट्विस्ट का मतलब गलत ना लीजिएगा, इस एंगल पे मोड़े कि उससे आप लोगों को और तफसील जो है ना समझ आ जाएगी। हुसैन अलैहिस्सलाम की ना जो यजीद के खिलाफ क्या उस सिस्टम के ऊपर जितनी भी काविश थी वो इस वक्त दुनिया के तमाम मुसलमानों को सबसे ज्यादा जरूरत है कि हुसैन रिवाइव कर दिया जाए। ठीक है, हुसैन को रिवाइव करें, वी नीड हुसैन इन एवरी हाउस। ओके, मेरा पहला पूरा साल सिर्फ यही जुमला बोलते हुए हर वीडियो की मैं, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ऐसे इसी चैनल पे देखें, नीचे सिर्फ हाउ टू रेज हुसैन इन आवर लाइफ। ओके, उसकी नफ्सियात की भी ट्रेनिंग मैंने बताई माओं को कि हुसैन घर में कैसे परवान चढ़ा सकते हैं आप। अली बिन अबी तालिब को मैं इस वक्त मेरी तमाम वीडियोस में कि आप अगर अली बिन अबी तालिब के मॉडल पे इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर नहीं करेंगे तो आप फिर बौने ही रह जाएंगे, गुलाम ही मरेंगे आप। पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट इज टेम्पररी, याद रखिएगा, इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट इज लॉन्ग टर्म एंड इवन एट समटाइम्स परमानेंट। तो अली बिन अबी तालिब हमारी 1000 साल की स्ट्रेटजी है। अली बिन अबी तालिब के मॉडल पर कुरान प्रेजेंट करो और फलसफे के ताबे करो, अल्लाह के फलसफे के ताबे करो। ठीक है, ये मेरी हर वीडियो में यही सच है, ये एक ही जुमला है। कोई भी लड़का भी मुझसे पूछता है, लड़की भी, कि मुझे 2 स्टेप स्ट्रेटजी क्यों आप कहते हैं, वो क्या है? 2 स्टेप स्ट्रेटजी अली बिन अबी तालिब, उमर बिन खत्ताब। ठीक है, क्या अली बिन अबी तालिब नहीं करोगे तो अभी खिलाफत आ भी गई ना उमर बिन खत्ताब के मॉडल पर हमने लिया भी, तो मेरी अगली नस्ल अमेरिका इमिग्रेट करके भाग जाएगी। लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस सिर्फ इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर से। सो वो कैसे? कुरान पाक की पहली जितनी भी मैंने सूरतों की तफसीर इंटेलेक्चुअली करने की कोशिश की, और मैंने खुद अपनी तरफ से तो नहीं राय बताता होता, जितनी भी क्लासिकल स्कॉलर्स ने निकाली, मेरे अपने स्कॉलर्स ने निकाली थी, वो अली बिन अबी तालिब के फलसफे से निकाली थी। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको अली बिन अबी तालिब और हुसैन अलैहिस्सलाम की बात बताऊँ। आप पीछे जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा, खुद सीरा तो मैं पढ़ा भी रहा हूँ खुद भी, और सीरा के अलावा मैं कुरान से भी पहले सीरा को कहता हूँ कि सीरा पहले पढ़ो, समझो, सीखो, पढ़ो नहीं सीखो, फिर कुरान खोलो, तब पता चलेगा कुरान की नफ्सियात को, किस नफ्सियात को एप्लीकेशन में लेके आते। कुरान तो अप्लाई नहीं हो सकता जब तक सीरा ना हो। ठीक है, तो दिस इज 3 out of 5, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ये अहले बैत हैं 3 out of 5। हज़रत फातिमा के बारे में आज तक तो मेरी किसी लड़की से ऐसी बात नहीं जो ग्रुप सेशन में, जिसको मैंने ये ना कहा कि फातिमा के अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं है आपको, आपका दिल फट जाएगा। आप ट्रेंड ही नहीं है कि फातिमा के बारे में, अलैहिस्सलाम के बारे में किताब खोलें और पहले सफे में ही अपने आप को उस कैथारसिस में ना लेके जाएंगे, यार मैं तो किसी और ही नया डायरेक्शन पे थी, इस्लाम तो कुछ और बात करता है, किसी और लेवल के ऊपर, मुझे कहीं और ही औज देता है। ठीक है, so this is 4 out of 5, you need to understand that. So I apologize that if you did not find Al Khatija, I apologize, so much, even though I speak very loudly about Khadija radhiyallahu anha, okay, alayhi salam, क्योंकि मुझे एक एक करके एक स्टेप वाइज प्रोसेस से गुजारना है पूरे के पूरे यूथ को। और इस वक्त यूथ को अली बिन अबी तालिब और हुसैन अलैहि सलाम की जिस लेवल पे जरूरत है वो है पॉलिटिकल चैलेंज हुसैन अलैहि सलाम का, फलसफा है अली बिन अबी तालिब, विच इज द फलसफा मोहम्मदी है कि भाई असली इंटेलेक्चुअलिज्म वहां से ला रहा हूं मैं, और पॉलिटिकल एक्यूमेन जो है, और करेज। और जब भी मैंने करेज की बात की साथ ही हुसैन का, ठीक है, कि करेज का सिंबल हमारे पास सिर्फ एक हुसैन है। अगर मुसलमानों को एक हीरो चाहिए इस वक्त तो वो हुसैन है, ठीक है। और सब सॉल्यूशंस उसके बाद आते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन ये जो भी पिछली खातून से मैं कह रहा था कि करेज बनाओ। करेज तब आएगी जब हुसैनी हो जाओगे आप, ठीक है। अब रही बात कि इफ यू डिडंट फाइंड इट देन आई एम नॉट गोना से ओ यू शुड हैव लुक्ड हार्डर, नो आई एम गोना टेक रिस्पांसिबिलिटी, आई शुड हैव डन 100,000 मोर वीडियोस ऑन दैट, ओके। आपको नहीं मिली तो एक कसूर मेरा है, इसका मतलब है कि मुझे उससे भी ज्यादा काविश करनी पड़ेगी। अगर इजाजत दें तो इसको मजीद थोड़ा एक्सटेंड कर लूं इस क्वेश्चन को, जी करें सर। एक्सटेंशन में ये लेके जाना है कि जब तारीख पढ़ी जाती है ना, और ऑनेस्टली अगर ब्रीफली अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मैं समझें कि थोड़े से अपना रिलीजन जो है ना वो एक्सप्लोर किया 22 की एज में, और मैं जिस रिलीजन पे चल रहा था घर वालों की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 साल पहले उसको चेंज किया था, जब मैंने तारीख इस्लाम पढ़ी, कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी। अब तारीख जो है ना सर वो थोड़ी सी तलक है हमारी नबी के जाने के बाद, और उसमें हमें कुशीदगी नज़र आती है अहले बैत और सहाबा के दरमियान। मैं ओपनली नहीं बात करना चाहता क्योंकि कंट्रोवर्शियल थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। मैं बताता हूँ, सुनो, मुझे पता है कहाँ आप कहाँ जा रहे हैं, बात सुने। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में ना ये जो मशाजरात है ना, सहाबा के आपसी मामला जो है, मसाइल जो है, उसका इस वक्त के करंट मुस्लिम यूथ को मसला नहीं है। मैं ये तमाम उन लोगों को कह रहा हूँ जो फिरका परस्ती में भी हैं, और उन लोगों को भी कह रहा हूँ कि जो इस हिस्टोरिकल डिटेलिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं कि अभी ये मत करो, 100 साल बाद कर लेना। इन 100 सालों में पहले वो जो घर को आग लगी है, घर तो बचा लो, बाद में देखेंगे फर्नीचर काले रंग का होगा या सफेद पगड़ियों वाले का होगा, वो बात की बात है। वो घर उठा के ले गए हमारा, हम इस वक्त कमरों की लड़ाइयां कर रहे हैं, बीच में घर ही नहीं बचा हमारे पास। अंडरस्टैंड, अहले बैत के साथ जो कुछ हुआ हम सबको पता है, कोई भी ऐसा जी शऊर मुसलमान नहीं है जिसको पता ना हो, कोई तुक्का नहीं लगा कि अली बिन अबी तालिब और अहले बैत हुसैन अलैहिस्सलाम या हसन अलैहिस्सलाम की हदीसें क्यों नहीं आई नीचे। तुक्का है, इतना बड़ा तुक्का लग गया, आखिरी खलीफा और हदीसें ही कोई नहीं। किसी भी सुन्नी से पूछें जिनके 6 हदीसें निकाल के था अली बिन अबी तालिब की, नहीं मिलेंगी। कोई मुझे ही पता है क्या कहनी। आई एम पोलिटिकली वेरी अवेयर, आई एम हिस्ट्री मैंने कई एंगल से फरोली है, अलग अलग साथ के थ्रू। मसला यह है कि वी नो दैट द बिगर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इज नॉट अबाउट व्हाटएवर हैपेंड टू इन आवर हिस्ट्री। इन तमाम जंगे सफीन, अरवान और जमल के बावजूद भी इनसे पहले तक इतना इंटेलेक्चुअल कोर हमारे पास है, इतना हर मुसलमान यूथ के पास इतना है, जमल से पहले, सफीन से पहले, ठीक है, इतना कोर है सहाबा के थ्रू कि वो आप इस वक्त की दुनिया और अगले 100 साल तक के मसाइल को हल करने के लिए इंटेलेक्चुअल कोर एक्यूमेंट देता है। इतना बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है। मैं उसके बाद अगर आपसी मसाइल को डिस्कस करना शुरू कर दूंगा और फिरकों की बातें शुरू कर दूंगा, एब्सोल्युटली वेस्ट ऑफ टाइम फॉर द करंट यूथ, बिकॉज देयर प्रॉब्लम्स आर कमिंग फ्रॉम द फिलॉसफी ऑफ समवेयर एल्स। ओके, एक मुसलमान लड़के को इस वक्त लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, ढाका में, दिल्ली में, तेहरान में, कंधार में, सना में, खरतूम में, जकार्ता में ये मसला नहीं है कि अली बिन अबी तालिब और माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की आपसी लड़ाई के अंदर कैसे फाइंड आउट किया जाए कि इसके बाद क्या मसले निकले तो क्या हुआ। वी शुड रीड अबाउट इट व्हेन वी हैव द बिगर वॉर वॉन। बड़ी लड़ाई जीत जाने दो पहले, जो किसी और लोगों के साथ है। वो खुश हो रहे हैं हमारी इन छोटी छोटी लड़ाइयों के ऊपर। वो कह रहे हैं ये अच्छा टाइम लगाया इनका, इधर भी लगाओ 3 नस्लें और इनकी कि काली पगड़ी ठीक है कि सफेद। वो उनको तो इससे बड़ी क्या मुसरत मिलनी है, शैतान को भी, इबलीस को भी, कि मुसलमान आपस में लड़ पड़े। You need to understand, लड़ लेंगे हम भी। बहुत अच्छी बहस है, किसी और मौके के ऊपर अच्छी बहस है कि पता होना चाहिए कि यार अली बिन अबी तालिब पे इतनी बड़ी बड़ी हदीसें, तो बहस की जरूरत क्या थी। आज जमल हो, कौन सा ऐसा मुसलमान है आज जमल हो तो जो अली बिन अबी तालिब के साथ नहीं खड़ा होगा? कोई भी नहीं है, नॉट इवन वन, जीरो है। जो है वो तो मुसलमान ही नहीं है, इसका मतलब है उनको तो समझ नहीं है इस्लाम, ठीक है। मगर गौर से समझे इस बात को, अली बिन अबी तालिब और किसी भी और साहबी की लड़ाई हो, इन दिस केस हज़रत अमीर माविया की लड़ाई हो रही और एक्सटर्नल वॉर आ जाती है, कोई रोमन आर्मी हमला करती है, तो आप क्या समझ रहे हैं, क्या करेंगे? अली बिन अबी तालिब हक में है ना, मुझे पता है हक में है, मेरे नबी ने कह दिया हक में, बस तो हक में है, तो आप वो क्या करेंगे? मैं तो पहले हक में, चलो पसपा करो इनको। नहीं, ही इज गोइंग टू फाइट द रोमन सोल्जर्स, वी ऑल नो दैट, कॉमन सेंस की बात है। जिसको इस्लाम समझ आया, वो शिया और सुन्नी, उसको पता है कि बड़ी लड़ाई के लिए ये छोटी लड़ाइयां वक्फ करनी पड़ेंगी। और जिसको अली बिन अबी तालिब समझ आ गए हैं, उनको तो वैसे ही पता है कि अली बिन अबी तालिब किस वजह से फोरफिट करी जा रहे थे, ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, एंड आई यूज 3 times फॉर अ रीजन, ही फोरफिटेड व्हाटएवर ही कुड। यार बड़ी लड़ाई कुछ हो रहा है, इस वक्त मसला कुछ हो, यहाँ भी छोटा मसला है, इट्स ओके, आई विल फोरफिट। हदीसें पढ़े ना, ठीक है, आप हदीसें पढ़े। अब्दुलरहमान बिन औफ ने किस तरीके से मदीने का चक्कर लगाया है, 3 रातें मदीने से सर्वे लेते हैं, सैंपल ओवर सैंपल, एक्सटर्नल एलियंस जो बाहर से आए हुए थे, इंटरनल लोकल्स। हज़रत उस्मान और अली बिन अबी तालिब के ऊपर रिसर्च हो रही है, क्योंकि उन्होंने दोनों ने कंसेंसस दे दिया था अब्दुलरहमान बिन औफ को कि ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ और मैं लोगों से मशवरा करूंगा। उसके बाद अली बिन अबी तालिब से उन्होंने क्या कहा कि मशवरा किया, मैंने तेरे हाथ में बात करी, मैं 3 conditions देता हूँ तुझे। अली बिन अबी तालिब ने कहा 2 out of 3 ओके, 3rd में नहीं मान रहा। पढ़े तो सही हदीसें, मैं अपनी तरफ तो नहीं खड़ा हूँ। Soche, there are problems here. There are problems inside our house. I get that. But are they bothering me right now? No, they're not. मेरे बच्चे को कपड़े कौन से पहनाने, बहुत छोटा मसला है। बच्चे को गोली मारने के लिए सामने बंदा खड़ा हुआ है, कपड़े पहने नहीं पहने बच्चे ने, कौन से कहे कि उसने इमाम जामन बांधा हुआ है, कि उसने ग्रीन कलर की पगड़ी पहनी हुई है, सफेद चोगा पहना हुआ है। You think that's a problem? No, that's not a problem. The problem is that man standing in front of my child with a gun in his hand. जहाँ तक प्रॉब्लम इस क्राइटेरिया से बात आती है सोसाइटी में देखने की, तो अगेन जितना मैंने पढ़ा, मैं उसके मुताबिक क्वेश्चन कर रहा हूँ। नज़र फिर ये आता है कि जो कोई जिसका भी फॉलोअर है, रिगार्डलेस ऑफ के कौन इमाम किसको समझ रहा है, लेकिन फिर वो उसकी तालीमात के मुताबिक अपनी साइकोलॉजी डेवलप करता है। आप अक्सर वैसे जिन लोगों की मिसालें देते हैं ना, और आई एग्री, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, अल-ख्वारिज़मी और जब्बर बिन दिहान के, इन्होंने उस दौर में किस तरह से डिस्कवरीज की थी और इस्लाम को आगे लेके गए थे। हम फिर जब उनका भी अकीदा देखते हैं ना, तो हमें एक तारीखी तौर के ऊपर वो एक फिरके से मुंसलिक नजर आते हैं। मैं ओपनली बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि कंट्रोवर्शियल हो सकता है, तो शायद आप समझ ही रहे होंगे। तो ये सब नहीं, मैं अकीदे की तो जान, अकीदा तो चले, एक दूसरा लफ्ज़ है फिरका, जो है ना, मसलक जो है, जो भी फिरका मसलक हो ना। इस वक्त आपको मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, ये बताएं कि अमेरिका का गुलाम शिया अच्छा है या अमेरिका का गुलाम सुन्नी? ये असली सवाल। अमेरिका का गुलाम शिया दुरुस्त है या अमेरिका के गुलाम सुन्नी दुरुस्त है, यह सवाल कोई नहीं पूछता। साइंस के ताबे शिया दुरुस्त हैं या साइंस के खुदा मानने वाले सुन्नी दुरुस्त हैं, यह असली सवाल है पूछने वाले। आप पूछें जरा सफेद पगड़ियों वाले सुन्नियों से या काली पगड़ियों वाले शियों से कि हाँ जी ये अमेरिका का, नहीं, ये असली सवाल है कि किसी और फलसफे के ताबे शिया दुरुस्त हैं या किसी और फलसफे के आगे सुन्नी। तो दोनों कहेंगे नहीं भाई, ऐसा तो ना शिया चाहिए, तो ऐसा तो ना सुन्नी चाहिए। तो पहले बाकी के उस छोटे खुदा को, तो जो उन्होंने 2 नंबर का बनाया हुआ है साइंटिस्ट ने, पहले उसको ताबे करें, बाद में देखेंगे कि शिया दुरुस्त है या सुन्नी दुरुस्त है। हमें इस वक्त साइंस के पुजारी, साइंस का मतलब ये नहीं कि मैं साइंस को गलत मानता हूँ, उसकी पूजा करने को गलत मानता हूँ, पूजा से रब की है, ठीक है। वो बाय द वे साइंस वाले भी अल्लाह को ही ढूंढ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ ना, वो ढूंढ अल्लाह को ही रहे हैं। वो जानते हैं नहीं जानते, जब उनको अल्लाह मिल जाएगा तो वो बता देंगे यार तुम लोग ठीक थे। हम तब तक उनके ताबे हुए हैं, तब तक पता नहीं कितनी नस्लें हम दोजख में रवाना कर चुके होंगे। एंड में साइंस ने मान लेना है यहाँ ठीक कह रहे थे यार तुम लोग। उस वक्त तक की जितनी नस्लें मरेंगी ना, सब के सब ये जो डॉकिंस और हॉकिंस की पुजारी मारे जाएंगे, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो। असली बात तो ये है ना, मुस्लिम्स आर द मोस्ट रिपल्सिव क्रीचर्स, शियाज एंड सुन्नीज कंबाइंड। पूरी दुनिया में सबसे रिपल्सिव जो एडहेरेंस टू देयर डॉक्ट्रिन है और मुसलमान को देख के कोई मुसलमान नहीं होना चाहता, गैर मुस्लिम, चाहे वो शिया मुसलमान हो या सुन्नी मुसलमान हो। किसने अपना ईगो चाटना है जो कहीं नहीं शियों को देख के मुसलमान होना चाहते हैं? नहीं, नहीं कोई होना चाहता, चाहे आप काली पगड़ी वाले हैं या चरसफेद पगड़ी वाले। आप हम सब लोग दुनिया की सबसे रिपल्सिव कौम है, मानना पड़ेगा हमें। वी नीड टू एडमिट द ट्रूथ। नो वन वॉन्ट्स टू बी अ मुस्लिम बिकॉज ऑफ अस। वी आर द वर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इस्लाम, ऑफ द कुरान। कुरान इतनी बड़ी किताब है कि वो खुद ढूंढ के पहुंच जाता है हमारे ऊपर सरों पे पैर रख के यार खुदा का वास्ता है, मेरे अंदर की आवाजें जो है ना वो तुम्हारी किताब से आ रही हैं कि यहाँ पे जवाब है। तुम्हारे खुदा, तुम चुप हो जाओ सारे मुसलमानों, तुम जिस लाउड स्पीकर से बोल रहे हो एक अजीब रिपल्सिव किस्म की बातें कर रहे हो, एक दूसरे के खिलाफ भी बातें कर रहे हो। यहाँ तक कि मैंने ये मौका भी देखा है, मैंने खुद देखा है टोरंटो में, कि गैर मुस्लिम को मस्जिद में बुलाया हुआ है और उसको गैर मुस्लिम को शियों के खिलाफ लेक्चर मिल रहा है। सोचें, मिस्रियों की मस्जिद थी, हनफी बैठे हुए थे पाकिस्तानी, और उसको बता रहे कि तू मुसलमान तो हो रहा है मगर ये काम ना करें, ये शिया मुस्लिम होते हैं। ये का वो उसके ऊपर क्या इंप्रेशन जा रहा होगा कि भाई तुम लोग आपस में तो पहले ठीक हो जाओ, बाद में बताना मैं ठीक, मैं तुम्हारे पास आऊं या किधर जाऊं। मतलब पहला दिन इस्लाम में गीबतों का मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और मैं सोच रहा हूँ ये अंकल को क्या हो गया। अब छोड़े वो अंकल गरीब पाकिस्तानी मौलवी साहब थे, ठीक है, ये सीयर्स की मस्जिद वाले, आलबियन एंड इजलिंगटन। आई एम सेइंग दिस टू यू, आलबियन एंड इजलिंगटन, यू नो हू आई एम टॉकिंग अबाउट, ऑल द टोरंटो मुस्लिम्स। वो शियों की बुराइयां कर बैठ के, यार एक क्रिश्चियन का बच्चा इधर आया तेरे पास इस्लाम कुरान पढ़ के, कुरान में उसको कुरान से कहा तू क्या, उसको बता रहा है कि यहाँ पे ये भी चलेगा तो ये नहीं मानना, ये ना मानना उनका वो गलत। जब ये हालात हो चुके हों तो फिर आपको समझ आना चाहिए। बाय द वे दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट एज वेल। उस दिन मुझे पता चला था कि उस्ताद जी ये तो बहुत ही बड़ा गटर है जो आप लोग उसमें बैठे में। सो इट्स अ प्रॉब्लम एंड वी बेटर स्टार्ट सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। Last question, sir. Last question. Shamim Haider saab. Could be a girl, could be. No, actually, it has to be a boy. Shamim Haider. Assalamu alaikum, Sahil bhai. Assalamu alaikum. सर बहुत शुक्रिया सर कॉल लेने का। मैंने छोटी सी बात करनी थी सर। मैंने आपको एक ईमेल भेजी थी कल शम्स के हवाले से ना। किसके हवाले से? समझना चाह रहा था थोड़ा सा। शम्स, जो सूरह शम्स है ना उसमें जो एक एंटिटी का जिक्र है शम्स, तो उस पर मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था पिछले 2 साल से तकरीबन ना, तो मुझे मैं अभी भी उसके बारे में कंफ्यूज हूँ। तो उस पर मैंने आपको एक ईमेल भेजी थी, तो अगर आपको मिल गई हो तो। किस नाम से भेजी आपने? इसी नाम से, सैयद शमीम हैदर gmail.com से। मेरा मोबाइल ना बैटरी बिल्कुल खत्म है। सैयद शमीम हैदर कल भेजी आपने? जी सर, जी कल। sahil.adeem@sourcecode.com.pk पे ना? जी। तो मिल गई होगी सर मुझे। ना अभी नहीं मिलेगी क्योंकि मैं अभी दोबारा रिसेंड कर लेता हूँ। नहीं आप, मैं ढूंढ लूंगा तो आप भेज दें दोबारा, मगर मैं ढूंढ लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। नो प्रॉब्लम। कासिल हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा पहला सवाल ये है कि मतलब एक स्कॉलर को लेके थोड़ा, मतलब बहुत टाइम से उनको सुन तो रहे थे मगर बहुत सारा कंफ्यूजन है, तो मैं एक नजरिया लेना चाह रहे थे उनके बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर का उनको लेके नजरिया कुछ अलग आता है। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा जी। हम ये कह रहे हैं कि एक स्कॉलर के बारे में आपसे नजरिया लेना था, मतलब हम तो सुन रहे थे उनको मगर बाकी स्कॉलर से, बहुत सारे स्कॉलर से क्या बोलते हैं, एक अलग नजरिया पेश आता है उनके लिए। यूसुफ अल करदावी का बात कर रहे हैं। क्या नाम बताया? यूसुफ अल करदावी। मुझे नहीं सर इनका फलसफा नहीं पता। अच्छा 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 यहाँ अच्छा। तो एक सवाल और था। जी जी आप एक मीट में बात कर रहे थे वो वाला कि वो जो वाकया पेश आया था ईसा अलैहिस्सलाम वाला, तो वो जो आप बता रहे थे कि कैसे वो मतलब वहाँ का जो किंग था वो उसका एनिवर्सरी था और मतलब उसके बेसिस पे जी जी। छोड़ दिए और दूसरे को पिक कर लिए। तो ये वाकया हमको कहाँ से मिलेगा, क्योंकि पढ़ना है हमको बजात पे। बुक ऑफ मैथ्यू है, बुक ऑफ मैथ्यू, पॉन्शियस पायलट। अच्छा, पॉन्शियस पायलट जिसको सेंट पायलट बोलते हैं, सेंट पायलट, ठीक है जी। किसी वजह से सेंट पायलट बोलते हैं ना। खाली ये पूछना उनसे कि आप इसको सेंट पायलट क्यों बोलते हैं भाई, ऐसा क्या उसने कारनामा किया, ठीक है। फिर देखना है कि कंफ्यूजन, ठीक है। और वो वाकया बिल्कुल जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करता है और आप क्या समझ रहे हैं, मैंने खुद ही बुक ऑफ मैथ्यूज पढ़ी और मैंने ऐसे ऐसे रेफरेंस के साथ बैठ के ये बात तफसील से गिरा खोल के इन लोगों ने मुझे समझाई है कि पॉन्शियस पायलट का क्या मकाम है। एंड आई ऑलवेज आस्क देम कि जब तुम्हें पता है इस बात का तो फिर क्यों नहीं बताते हो। तो उन्होंने खुद कम से कम 4 ऐसे रेफरेंस हैं। उन्होंने कहा मिनिस्ट्री ने हमें मना किया हुआ है। जैसे वो नहीं होते वो जो फिरके वाले मौलवी मुसलमान, नहीं ये बात ना बताना कि ये इससे ये सहाबा के आपसी मसाइल हैं तो ये उम्मत गुमराह हो जाएगी, ठीक है। वो इस्लाम छुपाते हैं, बिल्कुल उन्होंने ये किया हुआ है कि यहाँ पे तो इस्लाम छुपा दो। वो भी इस्लाम ही था ना जो उन्होंने छिपाया है कि नहीं, मिनिस्ट्री ने मना किया हुआ, ये वाली बात के ऊपर बहस नहीं करनी आपने कि पॉन्शियस पायलट ने जो किया है वो कौन सा वाला जीसस था, ठीक है। सो ये मैं अपने आप को गवाह ठहरा के बता रहा हूं कि आई हैव heard the man who was a reverend who told me ministry has banned us to talk about this, क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ा पेंडोरास बॉक्स अगर खुल जाएगा कि हैं Jesus was left alone, not put, some other guy was put on the cross। वहां पे जो 600 बंदा ऑल्टर में खड़ा हुआ था, वो 600 बंदा ही ऑल्टर में था ना, वहां पे कोई मोबाइल या यूट्यूब थोड़ी थी जो उसी वक्त दिखा देती कि ये देखो उसने कहा है, यू नो, बराबस को छोड़ दो, जीसस बराबस क्या है, अल्लाह का बेटा, ठीक है। सो बराबास, यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो ऐसी जबरदस्ती इन्होंने जो गेम डाली है वो पॉलिटिकल गेम है, दे नो दैट। आस्क देम, आम से किसी क्रिश्चियन को तो नहीं पता होगा ना, तो आम से क्रिश्चियन के लिए क्या कहते हैं आप, क्या बुक ऑफ मैथ्यू में खोलना बेटा, पढ़ना जरा चैप्टर वर्स 22 से शुरू कर 28 तक मुसलमान हो जाएगा। आम से क्रिश्चियन से कहें तू पढ़ना, वो पता क्या, नहीं मेरा इल्म काफी कम है तो मुझे क्या पता इस आयत का असल में कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ ले। तो बुक ऑफ मैथ्यू शुरू करते हैं, देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है। तू खाली ये बता दे कि तुम्हारे अकाबरीन सेंट पायलट क्यों बोलते रहे उसको, अभी भी बोलते हैं बाय द वे। इफ ही पुट जीसस ऑन द क्रॉस, व्हाई इज अ सेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो इट्स अ प्रॉब्लम जो कि थोड़े से इल्मी सतह पे आके सॉल्व हो जाती, ठीक है। और देखें कुरान पाक ने कहा कि इनको ऐसे दिखाया हमने, ठीक है, कि ये शक में पड़ गए कि यही है जीसस के नहीं। और क्या तफसीर की हुई है उर्दू में, क्या तफसीर है कि वो बंदे की शक्ल मिलती थी। ये 600 तो बंदा था उधर, पूरे बनी इसराइल को कैसे पता कि जो शक्ल मिलती थी कि नहीं थी। टोटल 600 बंदा था और 600 भी उन्होंने ये नहीं बताया 600 से, उन्होंने कहा 600 का ऑल्टर था, क्या पता पूरा भरा भी था कि नहीं, 200 300। पूरे बनी इसराइल को, पूरे जेरूसलम को कैसे पता कि कौन सी शक्ल है किसकी नहीं है, सोचे। इट वॉज मेड फॉर देम टू बिलीव, ये कुरान पाक की आयत है। इट वॉज वी मेड देम टू बिलीव कि ये असली ईसा है, असल में ये असली ईसा नहीं था। सो ये एक शक जो डाला गया था अल्लाह ताला ने खुद डाला था, इनको शक में डाल दिया। वो शक में कैसे डाला जाता है पता ही नहीं चला, खबर ही है बस। हमें बस क्या बताया जाता है, एक शक में डाला गया कि ये जो सलीब है ये जीसस का, क्या अंपायर स्टेट बिल्डिंग जितनी सलीब है, 8 फुट की जो सलीब है सामने देख लो, समझ रहे। तो वो खबर में शक में डाला गया। ये तो इंजील खुद जामिन हो गई ना, अल्लाह ने वो बचा के रखी हुई है सारी की सारी आयत। जी सर, एक सवाल मेरा और था जी। ऐसे में एक सवाल तो नहीं था, मतलब 2 सवाल था। पहला चीज ये है कि जैसे कि ये डिफरेंस हम कैसे लोगों के अंदर डालें कि जैसे वो दीन के काम के लिए जब अवेयर होते हैं तो वो मतलब इकामत दीन का सोच लेके तो क्लियर होते हैं, मगर क्या बोलते हैं उसमें खिदमत खल्क फिर इंटर कर देते हैं और फिर उसी के ऊपर चलने लगते हैं। तो बोले ना खिदमत खल्क नहीं है क्या? खिदमत खल्क की सबसे बड़ी खल्क की खिदमत क्या है कि उसको आखिरत में दोज़ख से बचाया जाए ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मगर क्या बोलते और बाय द वे बाकी के इंतजामात भी, दुनिया के इंतजामात भी, इस्लाम में इंसाफ का मामला सबसे बड़ी खिदमत इंसाफ है। आप इंडिया के लग रहे हैं मुझे। जी जी हाँ, तो इंडिया में भी वही मसले जो पाकिस्तान में, अदालत ही कोई नहीं है, इंसाफ ही कोई नहीं। पैसे हैं तो जो मर्जी कर लो, पैसे नहीं है तो फिर सारे गुनाह तुमने किए हैं। कौन बता रहा है? जज बता रहा है। 50-50 साल के दीवानी मुकदमे चल रहे हैं, 3-3 महीने की छुट्टी पे जाता है पाकिस्तान का जज, समर वेकेशन। तो स्कूल में बैठा हुआ है, तेरा बच्चा स्कूल वेकेशन लेगा, तू भी लेगा। गवर्नर ने कह दिया तो ये कोई अल्लाह की आयत है। करोड़ों केसेस पेंडिंग है, तुम 3-3 महीने की समर वेकेशन में आते हो और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं मानूं कि तुम्हारे अंदर फरासत है जजमेंट की। यू कुडंट जज योरसेल्फ आउट ऑफ दिस कैटास्ट्रोफी टू द होल नेशन। इतना बड़ा आफत और लानत बरस रही है पूरी कौम के ऊपर, तुम्हें इतनी जजमेंट नहीं है कि यार ये काम गलत है। इस पर सो मोटो लो ना कि ये 3 महीने की छुट्टियां क्यों मना रहे हैं जज, पेंडिंग केसेस के ऊपर क्यों 3 महीने की छुट्टियां जज की। दिस इज शेमफुल, नथिंग एल्स। जी और okay? साहिल सर एक सेकेंड, मतलब हिजबुत तहरीर को लेकर मेरा एक सवाल था। मतलब जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जमात इस्लामी है, इखवानुल मुस्लिमीन है, तो हिजबुत तहरीर भी उसी प्रोसेस पे है। मगर इस थॉट प्रोसेस के साथ होने के बावजूद हमको समझ में नहीं आया कि बहुत सारे मतलब कंट्री में वो बैन नहीं है, खास करके अमेरिका में, तो उसका क्या वजह है? वहाँ पे तो के भी बैन नहीं है। वहाँ पे तो फर्स्ट अमेंडमेंट है, सेकेंड अमेंडमेंट है, थर्ड अमेंडमेंट है ना, ठीक है। मतलब समझने की कोशिश करें, वहां पे तो हर चीज अलाउ है ना। के अगर बैन नहीं है, शैतान वर्शिप बैन नहीं है, तो हिजबुत तहरीर क्यों बैन? मैं ये नहीं कह रहा हूँ नौज बिल्ला ये कि एक ही लेवल के हैं। वहां पे कोई भी कुछ भी बैन नहीं है, वहां कोई बैन नहीं होने देगा, ना अच्छा ना बुरा, कोई बैन नहीं हो सकता। अब सवाल यह है कि सिवाय मुस्लिम फिलोसफर्स के वो वाले बैन होंगे जो इस्लाम को सही प्रेजेंट करते हैं, वो बैन और डिपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। बाकी सब के सब अनबैन है, कोई तो बात है ना। फिर हिजबुत तहरीर के तो खैर मेरे फिलोसॉफिकल इख्तलाफात हैं। मेरा तो ज़ाहिर है बाहर के मुल्कों में हिजबुत तहरीर से डायरेक्ट इंटरफेस था और मैं उनसे 2-3 बेसिक से सवाल करता था और सब के सब इकट्ठे जत्थों में बैठ के बस वही वो एक पार्ट सा रटा हुआ वही जवाब दे रहे हैं। खैर तुझे इतनी समझ नहीं आई, नौज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला अहले कुव्वत का मोहताज है, सोचें। और क्या कहते हैं, हज़रत उमर के लिए नबी इस्लाम ने दुआ की थी। हज़रत उमर तो आपको पता भी है, हज़रत उमर के पास $0 थे, तुम बैठे हुए सारे डॉलर वालों के पास, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे। जीरो पॉलिटिकल पावर थी हज़रत उमर के पास। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की हज़रत उमर के लिए, तो हज़रत उमर का कौन सा ट्राइब है, इनको इतना नहीं पता कि हज़रत उमर का ट्राइब जो है वो 5th फ्रॉम द लिनिएज है, 5th कुरैश का 5th, इसको लेफ्ट लिम्ब बोलते हैं अरब में, कि ये लेफ्ट लिम्ब है, राइट लिम्ब भी नहीं है। अबू जहल के लिए दुआ की और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के लिए दुआ की। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और अबू जहल का पॉलिटिकल कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। अबू जहल वाज टू हाई इन द रैंक, ठीक है। हज़रत उमर के लिए क्यों दुआ की थी? क्योंकि वो तोड़ था, इसकी उन सब की तोड़ था, इसलिए नहीं कि वो पॉलिटिकली अहले कुवा में नहीं आते थे। वो ही वाज अ करेजियस मैन, दैट्स व्हाई हज़रत उमर के लिए दुआ की थी। इनको इतना नहीं पता, पता नहीं किससे सीरा सीख के आए हैं लोग। करेजियस मैन डिवेलप करो ना बैठ के, पॉलिटिकल माइट के लिए जाके बैठे हुए हो हिजबुत तहरीर वालों कि हम अहले कुव्वा को पकड़ेंगे, अहले कुव्वा बनाएंगे। ये है असली नहज मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आम बंदों को अहले कुव्वा बनाएंगे। पढ़े जरा अबू यूसुफ की किताब, अगर अबू उमर खत्ताब इस्लाम ना कबूल करते तो क्या होता, पढ़े ना जरा किताब। ये मैंने तो नहीं लिखी, ये पाकिस्तानी देसिस्तान में किसी आलिम ने लिखी, अरेबियन स्कॉलरशिप ने खुद लिखी है, अपने तमाम तर साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स को रखते हुए कि अरेबियन साइकोलॉजी में क्या पैरामीटर्स हैं। They are Arabs, they know, and they wrote कि अगर उमर बिन खत्ताब मुसलमान ना होते तो मैक्सिमम अगर गिवन द फैक्ट कि अगर वो सर्वाइव कर जाते और लिवर कैंसर ना होता उनको, तो वो मैक्सिमम भी अगर जाते, जो कि उन्होंने खुद लिखा लोएस्ट प्रोबेबिलिटी है क्योंकि उन्होंने नाम लिखे हुए हैं। हज़रत उमर के ऊपर कौन कौन से कंटेंडर थे, तो वो कुरैश के सरदार बन सकते थे और लिखा उन्होंने कि उन्होंने नहीं बनना था, मगर मैक्सिमम बनते तो कुरैश के सरदार ही बनते। और इस्लाम ने उमर खत्ताब को हिस्ट्री की सबसे बड़ी फिगर बना दी। ये हिज़्ब तहरीर को कोई बताए ना जिसकी बेस के ऊपर कह रहे हैं अल्लाह ने कुव्वत अल्लाह ने देनी है इस्लाम में, अल्लाह किसी कुव्वत का मोहताज नहीं होता। सो इट्स अ प्रॉब्लम। हमने खाली एक चीज बताई है, ज़ाहिर है हिज़्ब तहरीर के 19 निकाती तो 21 निकाती चार्टर है कि पता नहीं आप 25 हो गए हैं, वो बढ़ते ही रहते हैं, मगर बेसिस ऑफ फिलॉसफी क्या है, हम उसको टारगेट करेंगे, उन चीजों को टारगेट करेंगे जो पहले से कुव्वत में है। वो अगर इस्लाम पे आ गए तो टॉप डाउन अप्रोच, ओके मतलब फिर करके देख लो, सबसे मुश्किल काम कर रहे हो। लोग कहते हैं ना वो गरीबों को लेके चला है और ये क्या वो करेगा, तो सारे नबी गरीबों को ही लेके चले हैं, इतनी नहीं इनको सीधा पता। किसी भी नबी को सबसे पहली निशानी क्या होती है कि गरीब गुरबा ईमान ले आते, ये फर्स्ट निशानी है। किसने पूछा था, कैसर ने किससे पूछा था, सोहेल बिन अमर से कि क्या कौन लोग इसे ईमान ला रहे हैं, तो उसने क्या कहा था, उस बाद में उस मुसलमान नहीं थे तो इसलिए कह रहा हूँ, उन्होंने क्या कहा कि आम से बंदे हैं गरीब गुरबा इसमें इस्लाम ला रहे। तो कैसर रोम को ये साइकोलॉजी पता थी, हिज़्ब तहरीर को नहीं पता क्या, ये तो पहली निशानी है नबियों की। आप बैठे हुए हैं कि नहीं जी पहले जर्नैलों को मुसलमान करें, पॉलिटिशियंस को मुसलमान करें, अहले कुव्वा को पकड़ें, अहले कुव्वा को पकड़ें, सीरियसली कौन से नबी की सीरा है भैया आपके पास, मेरे नबी की सीरा में तो ऐसे नहीं है। सो इट्स मेरे सभी नबी की सीरा बताता हूं क्या है, यूथ को मोबिलाइज करें, यूथ को इंटेलेक्चुअलिज्म में लाएं और यूथ को करेजियस बनाएं, ये मेरे नबी की सीरा है। बाय द वे हर नबी की सीरा ऐसी रही, मगर हर नबी की सीरा चले जो भी रही है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा यूथ को स्ट्रेंथ देने की थी, मेंटल भी और पॉलिटिकल भी, ये दो देनी है। पॉलिटिकल में टाइम लगा, मेंटल में एक दिन नहीं लगाया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला सेशन ही इंटेलेक्चुअलिज्म का किया। सीरा पढ़े ना पता चले साहबा की ट्रेनिंग कैसे करें नबी सल्लल्लाहु। सो इतने अहले कुव्वा थे, अगर ये अहले कुव्वा दारे अरकम में क्यों थे हम जी, इट्स अ बिगर प्रॉब्लम। हिज़्ब तहरीर इज, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता, सारे इस्लाम का निज़ाम ही चाह रहे हैं, मगर इस तरह की जो है ना नट बोल्ट्स खुद ना लगाएं इस्लाम में। इस्लाम ये वाली टेक्निक पे बड़े बड़े मैं सबसे मुश्किल, मैंने क्यों कहा मैं एक्सप्लेन कर दूं, जो कुव्वत में दुनिया के सिस्टम में आ जाता है ना वो सबसे मुश्किल होता है अपना फलसफा बदले। वो उसको पावर मिल गई होती है, वो कहता है यार ये सारी चली जाएगी, इस्लाम तो सब ले लेता है आपसे, इस्लाम में तो कुर्बानी है, सब कुछ निकाल अल्लाह के लिए। तो अहले कुव्वा तो कभी भी नहीं देंगे अपनी पावर, वो क्यों आएंगे इस्लाम। आज तक आया कोई, किसी वजह से नहीं आया, किसी वजह से बॉटम अप चले हैं सारे के सारे निज़ाम। मैंने इसलिए कहा ना अगर इस्लाम में लीडर आना है तो लो सोशियो इकोनॉमिक क्लास से आना है, हाई सोशियो इकोनॉमिक क्लास के लीडरशिप को ना माना करें। इन लोगों ने कुर्बानियां दे ही नहीं सकते, वो वाली इनकी लाइफ की ट्रेनिंग रेजिलियंस के ऊपर हुई नहीं होती, इनकी साइकोलॉजी नाजुक होती है, नजाकत पसंद होती है। सो you need to get a guy from the middle class who's seen through both intellectualism ऊपर से पकड़ता है और जो resilience है वो नीचे से पकड़ता है, ट्रेन करता है लाइफ से, अपनी लाइफ ट्रेन करके आया होता हो। सो ये बनी गाला में बैठ के या जाती अमरा में बैठ के नहीं आने, आप इंडिया में आपको नहीं पता, ये वहां पे भी ऐसे ही मामला आता है, ठीक है। वडेरों से नहीं आना, ये चौधरीयों से नहीं, जागीरदारों से नहीं, इस्लाम की लीडरशिप आनी यूथ से आनी है, आम लड़कों से, आम लड़कियों से, इंशाल्लाह। और गाइस विल सी ईच अदर। आपको एक मेल किए हैं और इस सेशन से पहले तो जरा उसको मैं देख लेता हूं इंशाल्लाह। गाइस अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।